हैरान जी आप ऊपर बैठ जाओ। नहीं आइए, पैर में दर्द है आपको। जिन भाइयों के पैर में दर्द है बैठने मुश्किल होती है, बहन भी कोई बैठना चाहो कोई बैठ। आज हम लोग जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ इंकार्नेशन, उस पर विचार करेंगे। प्रकृति के सात महान नियम है, सेवन ग्रेट लॉज ऑफ नेचर। उनमें से लॉ ऑफ इंकार्नेशन, पुनर्जन्म का सिद्धांत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्व रखता है। जो सात नियम है उनको एक बार दोहरा लें। जो सबसे पहला महान सत्य और नियम है, द लॉ ऑफ यूनिटी, एकत्व का नियम, द लॉ ऑफ यूनिटी। पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, जो भी कुछ दिखाई देता है, दृश्य और अदृश्य, जो भी है सूक्ष्म या स्थूल, सबका सब एक ही सत्य है, एक ही पदार्थ से, एक ही एलिमेंट से, एक ही तत्व से, एक ही अल्टीमेट रियलिटी का मैनिफेस्टेशन है। द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, एक ही तत्व है। तो दूसरा नियम है द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण का सिद्धांत, मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत। जब वो एक दो होना चाहता है या सृष्टि की उत्पत्ति करने का संकल्प होता है, तो वो एक ही दो हो जाता है और दो ही तीन हो जाते हैं और तीन से सात हो जाते हैं और सात से लिमिटलेस काउंटलेस फॉर्म्स बन जाती हैं। क्योंकि ये आवश्यक है सृष्टि के लिए, दो का होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी ब्लैक बोर्ड पर आपसे कहा जाए एक पिक्चर बनाइए, एक पिक्चर डिपिक्ट करिए और आपको ब्लैक पेंसिल दे दी जाए, तो आप पूरी कोशिश करेंगे फिर भी आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लैक ही पेंसिल है और ब्लैक बोर्ड है। या व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट पेंसिल दे दी जाए आपको, एक ही कलर से कोई भी पिक्चर नहीं बन सकती। आप बना देंगे लेकिन वो विजिबल नहीं होगी। तो जो एक है उसके अनेक होने के लिए, सृष्टि रचने के लिए दो का होना बहुत आवश्यक है। और चूंकि पदार्थ या एलिमेंट या रियलिटी या सत्य, जो भी आप उसका नाम रखें, नाम रूप से पर है, वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कहीं खाली जगह हो जहां वो पहले वाला ना हो तो दूसरे की पॉसिबिलिटी पैदा हो, लेकिन वो तो सब जगह है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां वो अल्टीमेट रियलिटी या वो ब्रह्म तत्व या परमात्म सत्ता, जो भी उसका नाम रखें। नाम रखने से थोड़ा लिमिटेशन सी आ जाती है, वो नाम रूप से परे है। तो जब दूसरा था ही नहीं और सृष्टि करना बहुत जरूरी था, तो एक ही दो हो गया। जैसे स्टीम है, वो यदि कुछ हलचल या विजिबल होना चाहती है, या एटॉमिक एनर्जी ऑफ वाटर, एटॉमिक एनर्जी है जो दिखाई नहीं देती, जब वो कुछ खेल करना चाहे तो एक से दो हो सकती है बड़े आराम से। उसका एक हिस्सा पानी बन जाए और एक हिस्सा बर्फ बन जाए और बर्फ के टुकड़े पानी में घूमते रहे, उछल कूद मचाते रहे, जैसे हम उस ब्रह्म तत्व में उछल कूद मचाते हैं। तो जो पानी है वो भी वही है और जो बर्फ है वो भी वही है, और सब उसी स्टीम के या एटॉमिक एनर्जी के दोनों पार्ट हैं। तो एटॉमिक एनर्जी ही पानी बन गई, वही बर्फ बन गई, और पानी और बर्फ मिलके एक्टिविटी शुरू होगी। हालांकि ये जो उदाहरण हम ले रहे हैं पानी और बर्फ का, ये बहुत छोटा है। उस परमात्म तत्व का कोई भी उदाहरण पूरी तरह नहीं बैठता, कोई भी हम सिमली लें वो इनकम्प्लीट है। फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए, माइंड के तल पर हम हर व्यक्ति समझना चाहता है तो कुछ ना कुछ सहारा थोड़ा सा लेना पड़ता है। वास्तविक समय तो ध्यान की गहरी स्थिति में ही, जब डायरेक्ट परसेप्शन होता है तभी समझ आती है। तो वो एक से दो हो गया। उनको समझने के लिए ऋषियों ने उसका नाम रख दिया,
एक पुरुष है, एक प्रकृति है, एक स्प्रिट है, दूसरा मैटर है, एक कॉन्शियसनेस है, दूसरा पावर है, एक लाइफ एनर्जी है, दूसरी मैटेरियल एनर्जी है, एक नेगेटिव पोल है, दूसरा पॉजिटिव पोल है। तो जो भी आप नाम रखें इंडिकेट करने के लिए, नाम तो सिर्फ उसको उसका एक नोमेनक्लेचर है, समझने के लिए, इशारा करने के लिए है, बाकी जो रियलिटी है वो तो है ही, वो तो नाम से परे है। तो जब दो बन गए तो दोनों मिलकर आपस में एक्टिविटी शुरू हो गई, जो मैटर है उससे फॉर्म्स बन गए, जो स्पिरिट है उसने उस फॉर्म को लाइफ दे दिया, लाइफ वो जो फॉर्म थी वो लिविंग फॉर्म बन गई, एक्टिविटी शुरू हो गई और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रचा गया। इसमें तरह तरह की फॉर्म्स हैं, तरह तरह के प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, ग्रास, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, मनुष्य मानव, अनंत श्रेणियां हैं। लेकिन वो अनंत श्रेणियों के बीच में जो स्पिरिट, जो लाइफ है वो एक ही है, और जिस मैटर से, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ शक्ति से वो सब की सब फॉर्म्स बनी है वो भी एक ही है। देखने में भिन्न भिन्न लगती हैं, कोई लाल रंग की प्रतीत होती है, कोई पीले रंग की प्रतीत हो रही है, कोई गर्म है, कोई ठंडी है, कोई हल्की है, कोई भारी है, कोई सोने जैसी लगती है, कोई मिट्टी जैसा लग रहा है, कोई एल्युमिनियम है, कोई लोहा है। ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं, 140 एलिमेंट, पहले 108 एलिमेंट केमिस्ट्री मानती थी, अब और रिसर्च हो गई है, वो 140 के करीब एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयरन है, गोल्ड है। ये तरह तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डिफरेंस दिखाई देता है जमीन और आसमान का, एक मिट्टी है और एक सोना है। यदि आपको ये कहा जाए मिट्टी और सोना एक ही चीज है तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि आप बेवकूफ वाली बात करते हो। मिट्टी तो मिट्टी के भाव है, आप कितनी मर्जी ले जाइए, 1 किलो ले जाइए, और सोना तो एक तोला भी होगा, 10 ग्राम भी होगा, तो उसकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, साइंटिफिक फैक्ट है कि सोना और मिट्टी का जो डिफरेंस है वो एटॉमिक लेवल तक ही है। मिट्टी का एक एटम और सोने का एक एटम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, दूसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरा है। एक का एटॉमिक वेट अलग है, दूसरे का एटॉमिक वेट अलग है। लेकिन जैसे ही आप एटम को तोड़कर और सूक्ष्म में जाएंगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यून, यून और क्वार्क एंड फाइनली उस मैटर मैटेरियल एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। उसी मैटेरियल एनर्जी से मैटर पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो मैटर पार्टिकल्स मल्टीप्लाई होके सोने का एटम बन रहे हैं, और वही मैटर मल्टीप्लाई होके मिट्टी का एटम बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली मिट्टी और सोना एक ही है, लेकिन कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी, कितना उसमें परिवर्तन है, और कितना भारी डायमेट्रिकल अपोजिट उसकी वैल्यूज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है। लेकिन तात्विक दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से वो दोनों एक ही हैं। जैसे बर्फ और पानी दोनों एक ही हैं, कपड़ा और सूत थ्रेड जिससे बना है कपड़ा वो एक ही है, समुद्र के अंदर पानी की टाइड्स, लहरें और पानी वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो बहुत ही कम बुद्धि के व्यक्ति हैं वो तो उसको भी अलग अलग समझेंगे, जिनको पानी और बर्फ का पता ना हो, या कई बार कोई ऐसे जादूगर होते हैं वो पानी एक बोतल में लेते हैं, दूसरी बोतल में दूसरा पानी लेते हैं और पानी को मिला देते हैं और कहते हैं देखिए ये खून बन गया, लाल रंग इसका बन गया, वो केमिकल है। जिन लोगों को नहीं पता वो एकदम, एक में पानी है दूसरे में कोई दूसरा सोल्यूशन है, दोनों को मिला देंगे तो रेड कलर का सोल्यूशन बन जाता है। तो ये सब साइंटिफिक फैक्ट है। जिन लोगों को उन साइंस के, उस विज्ञान के, प्रकृति के नियमों के बारे में पता नहीं है वो उसको चमत्कार समझने लगते हैं, कहते चमत्कार। कुछ लोगों को वो साइंस का नियम विनियम पता है और वो उसको, उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, वो सत्य है। कुछ लोग उसको सिर्फ खाली इमिटेट करते हैं, वो कर नहीं पाते, लेकिन वो ऐसी हाथ की सफाई से ऐसा शो कर देंगे कि जैसे उन्होंने बना दिया। जैसे इस कॉस्मिक कॉस्मोस में, इस वायुमंडल में वो सारे के सारे एटम्स, मैटर पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो सोने के अंदर है, जो मिट्टी के अंदर है। तो यदि किसी को वो लॉ पता है, अपने इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से, थॉट पावर से, स्पिरिचुअल पावर से उन मैटर पार्टिकल्स को कलेक्ट किया जा सकता है और ऊपर हाथ में हवा में करो और सोने का टुकड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन यदि ये खाली चमत्कार के लिए, दिखाने के लिए किया जाएगा, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, तो सबसे बड़ी महामूर्खता होगी दूसरों को चमत्कार दिखाने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल है,
साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि जो एनर्जी है एनर्जी को मेटेरियलाइज किया जा सकता है साइंटिफिकली। जो व्यक्ति उसको कर नहीं सकते लेकिन उन्हें सुन लिया या पढ़ लिया है वो एक्टिंग कर देते हैं, अपने हाथ पाथ में कहीं छुपा लेते हैं और वो ऊपर से कहते हैं कि दुखी तो हमने आपको सोने की घड़ी दे दी या सोने की मुद्रा दे दी। वो क्योंकि पॉसिबल है इसलिए लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि भाई मेटेरियलाइज शायद कर दिया होगा। कई ऐसी साइकिक पावर्स हैं, फिजिक पावर्स हैं जो हरेक के अंदर नहीं होती लेकिन वो डेवलप की जा सकती है, उसका एक नियम है, विनियम है। जिसको जानकारी है वो डेवलप करके उसको सचमुच वो उस तरह का काम कर सकता है, जैसे टेलीपैथी है, क्लियर वाइंस है, दीवार के पीछे देख लेना, किसी भी चीज़ के आर पार देख लेना, थर्ड डायमेंशंस के ऊपर फोर्थ डायमेंशंस की दृष्टि आ जाना, दूसरों के विचार पढ़ लेना, दूसरे को ओरा देख कर कलर देख कर ये बता देना किस तरह की इसकी प्रति चल रही है। ये सारी बातें साइंटिफिकली पॉसिबल है, कोई इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जब आध्यात्मिक रास्ते में चलते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, इनके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। सिद्धियों के लिए या साइकिक या फिजिक पावर्स के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रयास करेगा फिर वो चमत्कार दिखाएगा तो वो फंस जाएगा उसमें जाके। तो चमत्कार दिखाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है कि इस तरह के नियम हैं, इस तरह से नियम से ये सब बनता है। तो ये दो नियम हुए, एक तो पहला द लॉ ऑफ यूनिटी, दूसरा द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण का सिद्धांत। ये एक का अनेक हो गया, डाइवर्सिटी यूनिटी से डाइवर्सिटी हो गई, एकदम भिन्नता हो गई, एक है और एक भिन्न भिन्न रूप में ऐसा कन्वर्ट हो गया कि बिल्कुल भी समानता सी दिखाई नहीं देती। एक ही पेड़ की दो पत्तियां एक सी नहीं है, यदि आप दूर से देखने में लगेंगे, यदि आपके यहाँ नीम का या अशोका का पेड़ खड़ा है तो दूर से देखने में आपको लगेगा सारी पत्ती एक सी है, दो पत्ती आपको दिखाई जाए कहते हैं अशोका की पत्ती है या आप कह देंगे नीम की पत्ती है, लेकिन यदि आप उनको गौर से देखेंगे तो उनकी जो फॉर्मेशन है, उनका जो साइज है, वो जमीन आसमान का डिफरेंस उसमें होगा। बिल्कुल कोई भी दो पत्तियां एक सी आपको नहीं मिलेंगी, किसी भी पेड़ पर चले जाइए। दो आदमी की शक्ल एक सी नहीं है, वही दो आंख हैं, दो कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, शक्ल वैसी ही है, लेकिन जब आप दो आदमी की शक्ल मिलाते हैं तो बिल्कुल 100% अलग अलग दिखाई देती है। एक ही आदमी की दो आंख एक सी नहीं है, एक आदमी की दो उंगली एक सी नहीं है, एक ही आदमी के दो ब्लड सेल्स एक से नहीं है, दो ब्लड सेल्स भी अलग अलग बिल्कुल। तो इतनी डाइवर्सिटी है और ये चमत्कार है, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी उसमें यूनिटी है, वो एक है, एक ही अनेक में प्रतीत होता है। कितना भारी ये चमत्कार है एक तरह से, जो आदमी नहीं जानता वो तो उसको चमत्कार ही कहेगा। तो ये दो नियम हुए। तीसरा नियम है, जब मैनिफेस्टेशन हो गई, चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है या जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो वही मैटर बन गई, वही स्पिरिट बन गई, वो खेल शुरू हो गया। और जब नीचे ग्रॉस लेवल पर, मिनरल लेवल तक, पदार्थ के लेवल तक वो रियलिटी कन्वर्ट होकर पदार्थ बन गई, अब नीचे जब वो आ जाती है तो उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जितनी ग्रॉसर होगी उतनी वो लिमिटेड हो जाएगी। स्टीम है तो बहुत पावरफुल है, वो इंजन को मूव कर देगी, वो ग्रॉस होती चली जाती है, स्टीम से पानी बन गई, पानी से बर्फ बन गई, तो बर्फ का टुकड़ा कितना भी बड़ा हो स्टीम वो इंजन को नहीं घुमा सकता, पड़ा हुआ है उसमें फोर्स उतनी नहीं, फोर्स कम होगी। ये मैनिफेस्टेशन उसका, उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन, ऊपर से इन्वॉल्व होकर नीचे आई, उसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो प्रकटीकरण होता है, तो एक से जब अनेक बनता है वही नीचे इन्वॉल्व होते इन्वोल्यूशन से हो जाता है, वो ग्रॉसर मैटर लेवल पर आ जाता है। जो पत्थर है, जो पत्थर का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, उसमें आप ठोकर मारें तो वहां जाके पड़ता है, वो पत्थर के अंदर भी वही रियलिटी है, वही चेतना है, सुप्तावस्था में है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, वही एनर्जी है। एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के अंदर करोड़ों एटम्स हैं, उससे करोड़ों एटम्स एटम बम बनाए जा सकते हैं, कितनी एनर्जी उसके अंदर से रिलीज होगी। एक छोटे से पत्थर के अंदर इतनी एनर्जी है कि पूरे ब्रह्मांड को वो भस्म कर सकती है, इतनी उसमें एनर्जी छुपी हुई है। जब रिलीज होती है, एक एटम बम से जब एनर्जी रिलीज होती है तो आप देखते हैं कितने भारी वो तूफान मचा देती है। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरे उसका इफेक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ है। 10 मिनट के अंदर लोग बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, मर गए, जल गए, कितना कितना उनके अंदर परिवर्तन आ गया, कितना भारी एटॉमिक एनर्जी वो रिलीज, और उसका चेन रिएक्शन होता है, एक से दो बन जाते हैं, दो से तीन बन जाते हैं। अच्छा, ये एक से दो कैसे बनते हैं, ये भी साइंटिफिक है। दो थ्योरी है साइंस में, एक फिशन की थ्योरी है, एक फ्यूजन की थ्योरी है।
फिशन में क्या होता है कि एक मैटर पार्टिकल टूट के दो बन जाते हैं, और फिर ये जो मैटर पार्टिकल है, जब एक मैटर पार्टिकल है वो टूटा, बड़ी तेजी से दो निकले, तो वो जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, एनर्जी है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में, इस एक एटम के फिर दो मैटर पार्टिकल बन जाते हैं, वो जब फर्दर टूटते हैं तो उसके दो बन जाते हैं, उन दो के वो फर्दर टूटते हैं तो चार बन जाते हैं, उन चार के वो फर्दर टूटते हैं तो 16 बन जाते हैं, इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है, चेन रिएक्शन हो जाता है, और वो एक एटम से, एक मैटर पार्टिकल से, एक एटम से पता नहीं करोड़ों एटम बनते चले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी है ना उसमें, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती चली जाती है, और वो उसी इक्वल मास के होते हैं एटम। देखिए कहां से आ जाते हैं, ये जो आदमी जिसको नहीं ये पता होगा वो तो हैरान हो जाएगा, एक एटम टूटा उससे दो एटम निकले, दोनों उसी मास के हैं, एक के दो कैसे आ गए, तो जो एनर्जी उससे निकली वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मास, एमसी स्क्वायर, वो आपने पढ़ा होगा, जो आइंस्टीन की थ्योरी है, जो साइंटिस्ट है उसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, अब ये देखना पॉइंट, वो फिशन हो गया, तो फिशन की थ्योरी से वो सारा बनता चला जाता है, जो फ्यूजन है वो दो मैटर पार्टिकल एक साथ मिल जाते हैं, वो उसको हम फ्यूजन कहते हैं, साधना की, ध्यान की, समाधि की स्थिति में फ्यूजन होता है, कि जो आत्मा, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, दोनों अलग अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन गहरे ध्यान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में वो फ्यूजन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, एकम एक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ ये बात कर रहे थे, ये जो दूसरा नियम है, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो नीचे अवतरित होता है और नीचे पत्थर बन जाता है, पत्थर भी वही है। अब जब नीचे आ गया, अब वो खेल है, ये प्ले है, अब आप ये मत पूछिएगा इसकी जरूरत क्या थी, क्यों बना, क्योंकि ये हम लोग इसके तरह तरह के आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी समझ से, हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर की बात है, कि इसको सृष्टि की रचना क्यों की, क्या जरूरत थी, ये सृष्टि रचती, ह्यूमन बींग्स बना दिए, जानवर बना दिए, पशु पक्षी बना दिए, कुछ लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सब लीला करने की जरूरत क्या थी, क्यों कष्ट हम लोगों को दिया, इसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो जितने भी वो होंगे इमेजिनेशन या अटकलें, वो सब बेकार होंगी, क्योंकि वो ही अलोन नोज, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसने क्यों मैनिफेस्टेशन किया और क्या उसका मकसद है, क्या जरूरत थी, ये हम लोगों की समझ से बाहर की बात है, हमें तो सिर्फ इतना समझ लेना है हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, इससे हमने ऊपर जाना है। जो तीसरा नियम है, द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत, फिर हम धीरे धीरे पत्थर तक लेवल पर आ गए, अब यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, पहले हम अल्टीमेट रियलिटी थे, सर्वत्र पूर्ण थे, वहां से नीचे गिरते 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 पत्थर तक आ गए, और पत्थर से फिर हम ऊपर उठ रहे हैं, पहले इवोल्यूशन हुआ और अब इवोल्यूशन हो रहा है, एक तरह का खेल समझिए, जो भी आप कहें इसको, तो ये पत्थर से, पत्थर के अंदर जीवन है, लाइफ है, वो इवोल्व हो रही है, वो लॉ ऑफ इवोल्यूशन को कहते हैं, उसका विकास का सिद्धांत है, पत्थर से जो जीवन है वो और आगे इवोल्व होता है, वो प्लांट्स में आ जाता है, छोटी छोटी ग्रास, पेड़, प्लांट्स, उसमें लाइफ चली जाती है, लाइफ जब और आगे बढ़ती है तो उसका विकास होते होते पशु पक्षी में आ जाता है जीवन, पशु पशुओं का जो विकास होते होते जब इस लेवल पर आता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कैमल, ऊंट, हाथी वगैरह, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये बहुत एनिमल्स की हाईएस्ट फॉर्म है, सात जो एनिमल्स हैं वो बहुत हाई लेवल के एनिमल्स हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, हाथी, गाय और बंदर, इस तरह के सात ही एनिमल हैं, ये जब लाइफ इवोल्व होते होते इस श्रेणी में आ जाती है, पशु इस उच्च श्रेणी के पशुओं में आ जाती है, तो उसके बाद जो उसका इवोल्यूशन होगा वो ह्यूमन फॉर्म में आएगी, उसका मनुष्य देह में उसका जीवन आ जाता है, तो जो मनुष्य पहली बार बनता है तो बड़ा सेवेज टाइप होता है, उसके अंदर सारी टेंडेंसी वही एनिमल की होती है, क्योंकि एनिमल लाइफ से इवोल्व होके आया है, वही कच्चा मांस खाने की प्रवृत्ति है, वही उसको नंगा घूमने की प्रवृत्ति है, और वो वासनाएं उसकी इस तरह से रहती हैं, तो एनिमल टाइप बिहेव करता है, लेकिन धीरे धीरे वो सिविलाइज होते होते और विकास होते होते यहाँ तक पहुँच गया कि हम लोग अब सिविलाइज ह्यूमन बींग कहे जा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं और उसको चिंतन मनन कर रहे हैं अपने फ्यूचर पर और अपने पास पर, कहाँ से आए हैं और कहाँ फंस गए हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो ये जो प्रिविलेज है ये ह्यूमन बींग्स में है, पशुओं को, पेड़ पौधों को, मिनरल्स में भी लाइफ है, लेकिन उस जीवन तत्व को ये समझने का, इस तरह का विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो उस तरह के शरीर ही नहीं है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, जो पत्थर है
उसके अंदर दो शरीर हैं, जो मिनरल है मिनरल के अंदर दो शरीर हैं, एक फिजिकल बॉडी है एक ईथरिक बॉडी है। ईथरिक बॉडी जो प्राण, पत्थर भी सांस लेता है, आपको बड़ा ताजुब होगा होगा ये बात सुनकर कि पत्थर भी सांस लेता है। हाँ वो भी सांस लेता है, उसके अंदर भी पल्सेशन होती है और उसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी भी फॉर्मेशन बदलती बिगड़ती रहती है, उसके अंदर भी वो बढ़ा होता है और वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है, वो मरता भी है, उसके अंदर कीड़ा भी लग जाता है। तो ये पत्थर के अंदर सिर्फ दो लाइफ है, दो 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 शरीर है, एक फिजिकल बॉडी है एक ईथरिक बॉडी है प्राण में कोष, लेकिन उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी नहीं है, उसको फीलिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, उसके कोई डिजायर्स नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा है, डोरमेंट लाइफ है। और जब लाइफ पेड़ पौधे में आ जाती है तो उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी एक और जुड़ जाती है। पेड़ पौधे के अंदर जो प्लांट्स हैं उसके तीन शरीर हैं, उसके अंदर फिजिकल बॉडी है स्थूल शरीर, उसके अंदर ईथरिक बॉडी है वो भी सांस लेता है, प्राण शक्ति खींचता है, सोलर एनर्जी लेता है, क्लोरोफिल वगैरह आप जानते हैं किस तरह से वो अपनी प्राण शक्ति लेता है, और उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी है, उसके अंदर सेंसेशन है, उसके अंदर फीलिंग है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं आप उनको ऐसे हाथ लगाइए वो मुरझा जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनके पास आप म्यूजिक बजाइए तो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी उनकी, वो म्यूजिक म्यूजिकल साउंड्स को वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। प्रोफेसर खुराना जो बायोलॉजिस्ट थे बोटोनिस्ट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब किसी क्रिमिनल को खूंखार आदमी को किसी उस उन पेड़ पौधों के पास से गुजारा जाता है, निकालते हैं चलाते हैं जहां पर मशीन लगी हुई है फिट किया हुआ है सारा, तो उनके अंदर ऐसा सेंसेशन होता है, मतलब उस आदमी के मैग्नेटिक फील्ड में उस आदमी के ऑरा में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हैं नेगेटिव टाइप कि उससे पेड़ पौधे भी सिहर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो वो जो सहमना है वो उनकी एस्ट्रल बॉडी महसूस करती है, उनके अंदर फीलिंग है, उनके अंदर इमोशंस है, लेकिन वो इतने डोरमेंट है और हमको इतने दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ यदि गौर से देखें तो वो दिखाई दे सकता है। जो एनिमल्स है उनके अंदर एक एक शरीर और जुड़ गया, उनके अंदर लोअर माइंड और जुड़ गया। तो जो भी एनिमल्स हैं कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े, उनके अंदर लोअर माइंड की है, वो कैलकुलेट करते हैं, वो मेमोराइज करते हैं, उनका नाम याद है। दो कुत्ते आपने पाले हो, एक का नाम टोमी हो, का नाम जैकी हो, तो जैकी को मालूम है कि मेरा नाम जैकी है, जैकी बुलाएंगे आप, नाम बोलेंगे तो जैकी आपके पास आएगा, टोमी बोलेंगे तो टोमी आपके पास आएगा। वो सूंघ स्मरण शक्ति उसकी है, स्मेल से वो मेमोराइज कर लेते हैं ये स्मेल इस आदमी की है, और कहीं भी जाएंगे दोबारा उस स्मेल को सुहाएंगे तो वो बता देगा ये वही स्मेल है, इसलिए वो चोरों को क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी कुत्तों का काम लेते हैं। उसके अंदर लोअर माइंड है, कुछ इशारों से कुत्तों को बंदर को उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनसे कुछ काम बड़ा भारी काम लिया जाता है। तो उनके अंदर यदि लोअर माइंड मेमोरी ना होती तो वो कुछ इस तरह का काम कर ही नहीं सकते पेड़ पौधे की तरह, क्योंकि गुमसुम खड़े रहते हैं, लेकिन उनके अंदर लोअर माइंड भी है। उनके अंदर चार शरीर हैं, और जब लाइफ इवोल्व होके ह्यूमन बीइंग में आती है तो एकदम यकायक उसको तीन शरीर और दे दिए जाते हैं, एक हायर मेंटल बॉडी जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, एक इंट्यूशनल बॉडी और एक स्पिरिचुअल बॉडी, तीन शरीर उसको और मिल जाते हैं। लाइफ तो सबके अंदर एक ही है, लेकिन जब उसके तीन शरीर और मिल गए, वो तीनों शरीर इतने पावरफुल है, इतने सूक्ष्म है, इतने महीन है, इतने रिफाइंड है कि उनसे लाइफ हाई डिग्री में मैनिफेस्ट होती है। हम जो चेतना हमारे अंदर है लाइफ, जब नीचे के शरीरों में फिक्स होती है तो उसकी समझ बड़ी लिमिटेड है, उसके अंदर सेंस ऑफ सेपरेशन है, अलगाव की भावना है, छोटी लेवल पर वो सोचता है। लेकिन वही चेतना जब हमारे हायर मेंटल बॉडी से मैनिफेस्ट होती है, या इंट्यूटिव बॉडी में फिक्स होती है, या स्पिरिचुअल बॉडी के से मैनिफेस्ट हो रही है, वो इतनी रिफाइंड बॉडी है, वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पर वो लाइफ पूरी तरह से प्रकट हो जाती है। जैसे मेटेरियल एनर्जी को यदि आप किसी ऐसे मोटे तार से पास करते हैं, रेजिस्टेंस जहां जाता है तो वो लाइट नहीं देगी आपको। जैसे हीटर की कॉइल है वो घुमावदार है, उससे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करेंगे तो उसकी थिक वायर है, उसमें इतना रेजिस्टेंस है कि वो चमक उसमें नहीं आएगी, उसमें वो लाइट नहीं दे सकती, वो हीट देगी, लाल हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। और जो बल्ब के अंदर फिलामेंट है वो बारीक फाइन कॉइल है, वो फाइन मैटर है, उससे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है तो चमक जाता है, लाइट दे देती है, रेड के बजाय हीट के बजाय वो लाइट दे देती है। तो ऐसे ही ये जो हमारे शरीर है तीन हायर शरीर, ये इतने सूक्ष्म इतने रिफाइंड है कि इनके अंदर जब चेतना होती है, चेतना हम तो चेतना के पुंज है, चेतना के केंद्र है, लाइफ फोर्स है, हम जो रियल इनर मैन है जब वो अपने उन तीनों हायर शरीर में स्टेब्लिश होता है, फिक्स होता है,
तो उसकी लिमिटेशंस बहुत कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती है, उसको बहुत बहुत सारा ज्ञान होता है। और जब अपने आत्मरूप में स्थित होते हैं, अपने स्पिरिचुअल बॉडी में फिक्स्ड होते हैं, उस समय हमको बहुत कुछ दुनियादारी का, पूरे ब्रह्मांड का पता रहता है काफी, क्योंकि उसमें पल्सेशन होता है। जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में आपको बताऊं, जो आत्मिक शरीर है हमारा स्पिरिचुअल बॉडी, वो आत्मिक प्लेन का सिर्फ एक एटम है, और वो इतना रिफाइंड, इतना फाइन एटम है कि उसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है। उसमें जो लाइफ है, कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन बराबर होता रहता है विद रेपिडिट, बहुत फास्ट स्पीड के साथ। जब वो कंट्रक्शन है तो उसको इंडिविजुअलिटी का आभास है, मैं हूं, और जब एक्सपेंशन है तो पूरी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ उसका वो एकम एक होता है, तो उसको पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। उस स्थिति में जब हम समाधि की गहरी स्थिति में होते हैं, तो जब हम अपने आत्मिक शरीर में केंद्रित होते हैं, तो हमारी जो परसेप्शन पावर है वो लिमिटलेस बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और जब हम अपने इस क्रॉस शरीर में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, हमारी आंखें इस दीवार के पीछे ही नहीं देख सकती, और ब्रह्मांड की तो क्या बात है, मेंटल लेवल पर भी हम लोग बहुत लिमिटेड हैं। तो ये एक विकास का सिद्धांत हुआ कि नीचे से पत्थर से हम फिर वही डिविनिटी की तरफ, अपने वास्तविक ओरिजिनल जो डिवाइन ओरिजिनल नेचर है हमारा, उसकी तरफ हम इवॉल्व हो रहे हैं, उसका विकास हो रहा है। इसको हम कहते हैं विकास का सिद्धांत, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये तीसरा नियम हुआ। अब ये जो नियम तीसरा है, इसमें मैनिफेस्टेशन के साथ साथ वो उसमें कुछ ऐसे नियम उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, वो कर्म करता है, वो एक्शन करता है, रिएक्शन होता है, तो उसमें एक चौथा नियम जोड़ दिया है, द लॉ ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे वो मूव करता है, अपने विकास के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, कॉज क्रिएट करता है तो उसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट फिर फर्दर कॉज बनता है, तो लॉ ऑफ कॉजेशन, इसको हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं, जो हम लोगों ने कल डील किया था। चार सिद्धांत हो गए। अब चूंकि ये जो विकास है, ये जो विकास की प्रक्रिया हो रही है, पहले तो हम नीचे अवतरित हो गए, नीचे पत्थर बन गए, और पत्थर से जब ऊपर उठ के आप ह्यूमन बींग तक आ गए हैं, और आगे विकास हो रहा है, ये जो विकास है, इवोल्यूशन है, ये एक लाइफ में कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि इतना भारी जर्नी है, करोड़ों वर्ष तो इसको नीचे आने में लगे, और करोड़ों वर्ष इसको ऊपर पहुंचने में, रियलाइजेशन में लगेंगे। तो एक जीवन का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो इसके लिए स्पैन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो कर्म के देवता हैं, या जो प्रकृति के रखवाले हैं, ये लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के जो फोर्सेज हैं, उन्होंने ऐसा प्रोविजन बनाया हुआ है कि एक लाइफ पूरी होगी तो कोई बात नहीं, आपका शरीर पुराना हो गया तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो द लॉ ऑफ इनकार्नेशन उसमें एक नेसेसिटी है, इसको उसको ऐड कर दिया। अब कोई आदमी इनकार्नेशन को माने या ना माने, अंधा आदमी जिसको दोनों आंखें बंद है, नहीं दिखाई दे रहा, वो यदि ये कहे कि सूरज नहीं निकलता, मैं नहीं मानता, तो उसके मानने या न मानने से सूरज का निकलना या दिन और रात का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो लोग इनकार्नेशन को नहीं मानते, और जो लोग मानते हैं, उनके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो सत्य है। इसी जन्म की बहुत सी बातें हमको याद नहीं है, जब हम 3-4 साल के थे और हम पूजा करते थे, खेला करते थे, किसी बच्चों से हमारा झगड़ा हो गया था, कहीं हमको चोट लगी थी, कहीं हमको हॉस्पिटल ले जाया गया था, कहीं हमको बुखार आया था, बहुत सी घटनाएं हमें याद है, बहुत सी घटनाएं हमें याद नहीं है। तो इस जन्म की बातें ही बहुत सी याद नहीं हमको रहती, और पिछले जन्म की बातें, जो हमारा शरीर दूसरा था और अब दूसरा शरीर मिल गया है, वो बातें यदि याद नहीं है, याद ना रहने का ये कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता या रीइंकार्नेशन नहीं होता। कई लोगों को याद है, उनको क्या कहिएगा, उनको कुछ आपसे चाहिए भी नहीं। कुछ लोग तो फिक्टिशियस हो सकते हैं, कुछ उनका कोई मंतव्य हो सकता है, कुछ उनका आशय हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऋषि भी हैं जिनको बेचारों को कुछ नहीं चाहिए, प्योरली निस्वार्थ है, जैसे भगवान कृष्ण थे, उनको क्या तवक्को थी, रामकृष्ण परमहंस थे, गौतम बुद्ध थे, गुरु नानक देव हैं, ऐसे ऐसे महान मूर्तियां आए हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो बेचारे देते ही रहे हमेशा, अपना जीवन दान उन्होंने हमें दिया है। यदि वो हमें कोई बात बताते हैं तो उनकी बात पर क्यों ना विश्वास किया जाए, और यदि उनके भी विश्वास नहीं कर रहे तो वो रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो ये फैकल्टीज आपकी डेवलप हो जाएंगी, आप उस रास्ते पर, तो आप हम चलना नहीं चाहते, और उनकी बात को हम कंडम करते रहे, यहीं पर थ्योराइज करते रहे, कैलकुलेट करते रहे, कुछ बातों को मान लें, कुछ को ना माने, तो ये तो हमारी बेवकूफी होगी। हम पूरी लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करें, यदि टेस्ट में वो बात नहीं आए तब हम उसको कहें कि नहीं ये बात गलत है। जैसे साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं
जो भी न्यूटन्स की थ्योरी और जो भी ये आइंस्टीन की थ्योरी वगैरह आती है साइंस में, तो लेबोरेटरी फिजिक्स केमिस्ट्री लैब है ना स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है। जब एक विद्यार्थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी बना लेता है तो उसकी जानकारी में आ जाता है, बिना मिलाए वो कहे नहीं जी ये तो आप झूठ बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बन ही नहीं सकता, दोनों गैस है, दोनों हवा है, हवा से ये लिक्विड चीज कैसे बन सकती है, वो बहस करता रहेगा। दोनों का अलग अलग पदार्थ है, दोनों अलग अलग उनका नेचर है, एक हवा है गैस है, दूसरा तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ हवा से कैसे बन सकता है, तो कई इस तरह की बहस कोई आदमी कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक लेबोरेटरी में यदि वो अपना आप एक्सपेरिमेंट कर लेगा तब वो कहे आके कि हाँ मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया और पानी नहीं बना, तब तो उसकी बात में कुछ दम हो। लेकिन वो जब मिलाएगा एक्सपेरिमेंट करेगा तो दोबारा आएगा ही नहीं, वो कह जाएगा हाँ ठीक है जी बिल्कुल छोरी बिल्कुल ठीक है जो हमारे साइंटिस्ट ने बताया है। वैसे यहां भी है, हम यदि उनको एक्सपेरिमेंट को करें तो हमें पता लग जाएगा पुनर्जन्म होता है। एक तो ये बात है कि लोगों की अपनी जानकारी में नहीं होता इसलिए उसको डिनाई कर देते हैं, या वो दूसरों का सहारा लेते हैं। जैसे हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं वो इस बात को नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। क्रिश्चियनिटी में कुछ क्रिश्चियंस हैं जो कहते हैं इस बात को नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। कभी कभी ये होता है कि जो मनीषी या महात्मा लोग हमें शिक्षा देने के लिए आए उनका एक अपना स्पैन होता है, उनका एक अपना टारगेट होता है, जिस मकसद के लिए जितनी टीचिंग्स वो देने के लिए आए हैं उससे बाहर की बातों पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। महात्मा बुद्ध से यदि आप पूछते कि भगवान है या नहीं है, वो हमेशा मना कर देते थे कि इस पचड़े में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम समझ ही नहीं सकते कि भगवान है या नहीं है, है तो वो कैसा है, वो परमात्म सत्ता क्या है, वो तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है। उनसे यदि आप पूछें कि मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ, किसने किया, तो कह देते थे कि नहीं ये सब तुम्हारा सब्जेक्ट विषय नहीं है। वो कहते थे कि तुम यहां पर दुख में फंसे हुए हो, संकट में कष्ट में फंसे हो, इससे निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी क्यों हम आए, किस तरह से आए, ये सब पुरानी बातें उनको छोड़िए। तो वो उतनी काम की बात करते थे और उदाहरण देते थे कि यदि आपको किसी को तीर लग गया है आके और वो खून बह रहा है, तो अब आप ये पूछें, अब उसकी मरहम पट्टी करने के बजाय आप खोज करना शुरू करें ये तीर किसने चलाया, किधर से आया, कितनी स्पीड से था, इसको लेबोरेटरी में भेजो, इस किस एटम से, किस मैटर से ये बना हुआ है, ये क्या है। कहते ये सब चीजें निरर्थक हैं, इमीडिएट जरूरत इस बात की है कि खून बह रहा है, तीर को बाहर निकालो, उसकी मरहम पट्टी करो, उसको इंजेक्शन लगाओ, जो भी इसकी करना है। तो फैक्ट यह है कि हम यह दुनिया में आए हैं और यहां दुख में फंसे हुए हैं, इस दुख का कारण निकालें, उसका कारण का निवारण निकालें और फिर इसको उस दुख से बाहर आ जाए, ये इमीडिएट गोल है। तो यदि उन्होंने पुनर्जन्म पर या परमात्म तत्व पर विचार नहीं किया या बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस बात को नहीं जानते थे। तो कई महात्मा ऐसे आए जिन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर बात नहीं की या नहीं करना उन्होंने उचित समझा, तो हम उनको उनके उस मोटिव एट्रीब्यूट करें कि नहीं उनका मतलब यह था कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो ये हमारी अपनी बेवकूफी है। फैक्ट यह है, सत्य यह है कि पुनर्जन्म होता है। तो ये पांचवा नियम हुआ पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें हमारा विकास हो रहा है। इसके बाद जब पुनर्जन्म करते करते जब हम ये विकास होते होते हम आगे पहुंचते हैं, तो जो नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट नियम है लॉ ऑफ कंपैशन, द लॉ ऑफ कंपैशन एंड द लॉ ऑफ हार्मनी एंड द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। इस तरह के कई लॉ, सात ग्रेट लॉ हैं, सेवन सप्तरी लॉ हम इसको कहते हैं, सात मेन नियम है, फिर इनके आगे फर्दर सब ब्रांचेज हैं, लेकिन मेन लॉ ये नो, ये जो मेन नियम है सात, उनमें से ये इनकार्नेशन का एक नियम है। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा इनकार्नेशन पर बात करने का है। देखिए इनकार्नेशन का ये हमारे, जैसे मैंने कहा हमारे सात शरीर हैं, ये शरीर हमें इसलिए मिले हैं कि सातों प्लेन पर, सात सेवन प्लेन्स ऑफ एक्जिस्टेंस है, अलग अलग लोक हैं, हर लोक में हमें काम करने के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल प्लेन पर मूव करने के लिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फिजिकल साउंड्स को सुनने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास फिजिकल बॉडी है। इसकी अपनी लिमिटेशंस है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जा सकती, ये हवा में नहीं उड़ सकती, ठीक है ना, सूक्ष्म जगत में ये नहीं जा सकती, इसका जो लिमिटेशंस है ये इसी लेवल तक है। जो दूसरा शरीर है हमारा एस्ट्रल बॉडी, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, एस्ट्रल कम्युनिकेशन करती है, जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीरी आत्माएं हैं उनके साथ वार्तालाप
करती है, विचार विमर्श करती है, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी है। हमारी मेंटल बॉडी है, वो मेंटल वर्ल्ड में हम कम्युनिकेट करते हैं, मेंटल लेवल पर बातचीत करते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन होता है जिसको टेलीपैथी आप कहते हैं। और इसके अलावा हमारे फिर और 7 शरीर हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। तो ये नीचे के हमारे 4 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड लोअर मेंटल बॉडी, ये 4 शरीर जो एनिमल्स के भी होते हैं। और जो 3 शरीर हमको ह्यूमन बीइंग में आने के बाद मिले थे वो कॉजल बॉडी, इंट्यूशनल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, कारण शरीर, बौद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर। वो बहुत ही रिफाइंड एंड फाइन शरीर है, वो खराब नहीं होते। हमारी अप्रोच उन तक नहीं है, यदि हमारी अप्रोच वहां तक होती तो हम उनको भी डैमेज कर देते। इस फिजिकल बॉडी को तो हमने डैमेज कर ही दिया। क्या लोगों ने 40 साल की उम्र में भी आदमी लाठी पकड़ लेता है, स्नैक पीता है, शराब पीता है, मीट मांस खाता है, पता नहीं कितनी उलझुलूल हरकतों में फंसता है, शरीर को नष्ट कर लेता है, पूरा इंकार्नेशन वेस्ट कर दिया। एस्ट्रल बॉडी तक भी हमारी पहुंच है, उसमें इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वासनाएं हैं, और हम उनको उनको भी खूब अपना इस्तेमाल करते हैं और उसको भी हम डैमेज कर देते हैं। जो लोअर माइंड है उसको भी हमने बड़ा डैमेज कर, लोअर मेंटल बॉडी उसको भी हम डैमेज कर लेते हैं। उसको कैसे डैमेज करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग हमारी होती है, उसमें रिकॉर्ड याददाश्त हम उलझुल कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने मुझे उस समय पर गाली दी थी, उसने मेरी इंसल्ट की थी, उसने मेरी मदद नहीं की थी, मैं उसको देख लूंगा, जब भी वो सामने आता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करने की नियत रहती है। तो प्रेजुडिसेस जो है हमारे माइंड में जो प्रेजुडिसेस हैं, दूसरों के प्रति नफरत, घृणा, प्रेजुडिसेस, ये हमने अपने माइंड में भर लिए हैं, लोअर माइंड में। और नेचर हमें ये चाहती है कि हमें क्लीन चिट दी है, नेचर ने हमको सफेद चादर दी, उस पर हम व्हाइट कैनवस दिया, उस पर हम पिक्चर बनाए, फिगर बनाए, अपना काम करें, होमवर्क करें, और वो होमवर्क करने के बजाय उस कैनवस को, व्हाइट को हम बिल्कुल गंदा कर देते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, जो कि त्यों धरदीनी चदरिया, सुना होगा आपने, तो ऐसे जतन से ओढ़ी कबीरा जो कि तू धरदीनी चदर। हम इन शरीरों को यदि ऐसे जतन से इस्तेमाल करें कि ये डैमेज ना हो और इनका इस्तेमाल प्रॉपर हो, तब तो रीइन्कार्नेशन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन कर्म के देवता कितने महान हैं कि जब शरीर जर्जर हो जाता है, ये चादर फट जाती है, जगह जगह इसमें थेकलियां पड़ जाती हैं, जगह जगह इसमें फट जाती है, मैली हो जाती है, अब ये किसी काम की नहीं रहती, तो बड़े रहम दिल है, उन्होंने कहा लो अब दूसरी फ्रेश चादर ले लो भाई, इसमें बनाओ। तो जो मौत है, शरीर की मौत है, ये रोने धोने दुख की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। जो इसको नहीं समझता वो रोता धोता है, कहता रही तो हमारा शरीर चला गया, और जो समझता है इस बात को उसे खुशी होती है कि तो बड़ा अच्छा हुआ, ये पुरानी जो चादर थी या पुराना शरीर था जर्जर हो गया था, और ये खराब। यदि आपकी मोटरसाइकिल है या घोड़ा जिस पर आप चलते हैं, तो मोटरसाइकिल वो पुरानी होगी, रोज उसमें पंचर रहता है, रोज उसका इंजन खराब होता है, और आपके पिताजी कहें बेटे इसको फेंक दो, अब तुम ये नई मोटरसाइकिल ले लो, और आप रोना शुरू कर दें, हाय पिताजी अब क्या होगा, मेरी तो मोटरसाइकिल गई, बड़ी अच्छी थी, 25 साल से मेरे साथ थी, हैं? हम रोते हैं ना वही, हाय अब क्या होगा, मेरा पति चला गया, 25 साल से मेरे साथ था। एक भाई थे हमारे, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ वो धाड़ मारकर रो रहे थे, रोना, मैंने कहा मलिक साहब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कहता है भाई ऐसा दोस्त नहीं मिल सकता, 50 साल तक मेरे साथ थी, मेरा इतना ध्यान रखती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो अब हम उसको याद करते रहते हैं, वो दोबारा यदि उसको शरीर मिल गया, क्योंकि हमने उसके साथ एक नाता जोड़ लिया है, एक झूठा नाता हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, जो आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, असली रिश्ता, उसको हम भूल बैठे हैं, इसलिए हम अपने स्वार्थ में ही फंसे रहते हैं। और उसके अपने शरीर के लिए बेचारी चारपाई पर पड़ी रहती थी, बीमार रहती थी, जर्जर शरीर था, भगवान ने उसकी सुनी और बड़ा अच्छा किया, उसको नया शरीर दे दिया, तो आपको खुशी मनानी चाहिए, खुशी मनाने के बजाय आप रोना शुरू कर रहे हो, तो ये अज्ञानतावश रोना है। तो ये फिजिकल बॉडी जब हमारी पुरानी हो जाती है, जर्जर हो जाती है, बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो उसको बल्ब को चेंज कर देना चाहिए। अब आप उसको लगाए रखो नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा बल्ब है, बढ़िया बल्ब है, मेरे दादाजी इसको वहां से जर्मन से लाए थे, तो लगाए रखो उसको, लाइट तो उसमें आ नहीं रही है, तो अच्छा है कि इसको खुशी से दफना दो ले जाके, या जला दो और नया बल्ब लगा दो वहां पर, और नया बल्ब नेचर ने आपको दिया है, वो तैयार है देने के लिए। और यदि आप खुशी से नहीं लोगे फिर भी आपको जबरदस्ती डंडे के जोर से दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर तो बात यही है कि हम स्वेच्छा से करना चाहिए सब बातें, लेकिन यदि हम स्वेच्छा से नहीं करते,
आदमी को, ह्यूमन बीइंग को एक फ्री विल है। एक ये भी बहुत समझने वाली बात है, एनिमल्स तक फ्री विल टू एक्ट वोलिशन पावर नहीं है। एनिमल्स तक या प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, उन तीनों किंगडम में उनकी विचारों की कोई स्वतंत्रता नहीं है। पेड़ यहां खड़ा हुआ है, प्यासा है, पानी उसको नहीं मिल रहा, सूख गया है, और उससे 10 कदम पर तालाब है, बेचारा यहां से उठ के तालाब तक नहीं जा सकता, पानी नहीं पी सकता, या अपनी जड़ों को वहां तक नहीं पहुंचा पाता। कोशिश करेगा तो कहीं बहुत दिन लगेगा उसको जड़ों को वहां तक पहुंचाने में, तब तक वो मर जाएगा, सूख जाएगा। एनिमल का भी, उनका भी फ्री विल नहीं है। जब हम कहते हैं ना परमात्मा की इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता, यह बात ठीक है, परमात्मा की इच्छा से पत्ता तो नहीं हिलता, जानवर भी नहीं हिलते, पेड़ पौधे भी नहीं हिलते, पत्थर भी नहीं हिलता, लेकिन मनुष्य जरूर हिलता है। मनुष्य के अंदर परमात्मा अंश अंदर बैठा है, आत्मा के रूप में वो परमात्मा खुद ही बैठा है, तो उसको वो स्वतंत्रता है। मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो कार्य को ऐसे करे या वैसे करे। जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस नेचुरली हो रहा था, जैसे मैंने कहा ना विकास का सिद्धांत है, वो नेचुरली इवोल्यूशन हो रहा है, एक के बाद एक विकास हो रहा है। एनिमल तक जो विकास है, एनिमल तक जो इवोल्यूशन है, वो नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है, और ह्यूमन बीइंग में आने के बाद उसको फ्री विल दे दी कि अब वो नेचुरल इवोल्यूशन को तेजी से कर सकता है। उसमें अपनी फ्री विल, अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट्स करके इवोल्यूशन को वो तेज कर सकता है। अब जो फ्री विल उसको दी गई, वोल्यूशन जो उसको कार्य करने की स्वतंत्रता जो दी, वो दी इसलिए थी कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, उसके अपने इवोल्यूशन को तेज करेगा। उसको तेज करने के बजाय उसने उसमें रोडेट करने शुरू कर दिए, उसको रोकना शुरू कर दिया, नाली के कीड़े की तरह से वो उसी में डुबकी लगाता रहता है। जो एनिमल्स है वो इंस्टिंक्टिवली बिहेवियर है, वो तो नेचुरली इंपल्सिस आती हैं, और इंपल्सिस चली जाती है तो आगे चले जाते हैं, वो बाद में रिपीट नहीं करते उस बात को। ह्यूमन बीइंग जो है रिपीट करता है, वो प्लेजर एंड पेन की जो मेमोरी है उसके माइंड में, उससे वशीभूत हुआ वो फिर दोबारा दोबारा उसी में, उसी कीचड़ में डुबकी लगाता रहता है, रिपीट करता रहता है, लेफ्ट राइट करता रहता है और आगे नहीं बढ़ता। फ्री विल उसको दी इसलिए थी कि वो इवोल्यूशन को तेज करेगा, लेकिन तेज करने के बजाय उसने उसको और स्लो कर दिया। तो ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये जो पुराना हो जाता है, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि कर्म के देवता इसको ले लेते हैं, ये मर जाती है, फिर हमें दूसरा शरीर मिलता है। अच्छा, ये शरीर छोड़ने के बाद अब क्या होता है इसको आप देखिए। ये शरीर जब हमारा छूट गया, ये जो सबसे ग्रॉस बॉडी है जो हमें दिखाई देती है, इसके बाद जो हमारी शरीर है वो है ईथरिक बॉडी, प्राण में कोष। अब वो बाकी जो 6 शरीर हैं प्राण में कोष के साथ ही, वो यहां से निकल गया और वो यहां पर है, ये शरीर यहां पड़ा है, प्राय ये मृत हो गया। मृत इस सेंस में कि इसके अंदर से जो चेतना थी, जो चेतना के 6 शरीर थे, जिसमें इंट्यूशनल फैकल्टी है, स्पिरिचुअल फैकल्टी है, मेंटल फैकल्टी है, वो सब निकल गई, तो ये प्राय मृत प्राय हो गया। लेकिन इस ये मिनरल लाइफ इसके अंदर अभी भी है, मिनरल तो ये फिर भी है, वो लाइफ निकल गई, लेकिन जो मिनरल के अंदर जैसे लाइफ है, जैसे पेड़ पत्थर के, पत्थरों के अंदर जो जीवन तत्व है, वैसा जीवन तो इसके अंदर अभी भी है। इसके कणकण में जीवन है, इसके एक एक सेल में जीवन है, लेकिन जब इससे वो शरीर निकल गए, वो फैकल्टी निकल गई, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसमें कृमि पड़ जाएगी, कणकण सब बिखर जाएंगे और ये मिट्टी में मिल जाएगा। यदि आप जलाएंगे नहीं या दफनाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो भी ये ज्यादा दिन तक नहीं होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, एक एक इसका अंश जो है, एक एक कण सब मिनरल में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगी, जो 5 भूत है वो सब खत्म हो जाएंगे। 3-4 दिन के बाद जो प्राण में कोष था, जो इस शरीर को प्राण देता था, प्राण शक्ति देता था, जिसकी वजह से ये इसमें धक धक होती थी और ये कॉस्मिक एनर्जी इसको मिलती थी, 3-4 दिन के बाद वो जो प्राण में कोष है उसकी भी डेथ हो जाती है। उसका पर्पज तो रहा नहीं, अब जो फिजिकल बॉडी थी जिसको वो प्राण देता था, वो फिजिकल बॉडी ही खत्म हो गई, अब उसका कोई पर्पज नहीं है, तो 4 दिन के बाद में वो भी खत्म हो जाता है। ऋषियों ने इस बात को समझाया नहीं था, क्योंकि समझ नहीं सकते थे उस समय आदमी, लेकिन आपने देखा होगा कुछ जातियों में अभी भी चौथा करते हैं, जिस दिन उसकी डेथ हुई है तो उसके 4th दिन वो कुछ क्रिया करते हैं, तो उस दिन जो चौथा है, 4th दिन 3 या 4 दिन के बाद में वो एस्ट्रल जो हमारी ईथरिक बॉडी है उसकी भी डेथ हो जाती है। डेथ होने का मतलब वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब हमारे पास 5 शरीर रहे, 5 शरीरों में हम घूम रहे हैं, चेतना घूम रही है, 5 शरीर हैं।
तो जो एस्ट्रल बॉडी है अब वो एस्ट्रल जगत में जागृत हो जाता है, जो चेतना है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में सूक्ष्म जगत में जागृत हो जाता है। और जैसे यहां वो चलता फिरता था फिजिकल लेवल पर, फिजिकल शरीरों के साथ आदान प्रदान करता था, अब वो अपने एस्ट्रल बॉडी में एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल एंटिटीज के साथ विचार विमर्श करता है, बातचीत करता है, घूमता है। और एस्ट्रल वर्ल्ड में जो एस्ट्रल बॉडी है वो डिजायर्स है, उसमें इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। तो जिस आदमी की इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं, वासनाएं बहुत तीव्र होती हैं, वो उस एस्ट्रल जगत में भी बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि वो मान लिया शराबी है, वो शराब पीना चाहता है, तो शराब के जहां ठेके हैं उसके इर्द गिर्द वो सूक्ष्म शरीर में घूमता रहेगा और शराब की बोतल के आसपास भी घूमेगा, लेकिन उसके तो फिजिकल ऑर्गन है नहीं, वो शराब पी नहीं सकता, तो तड़फता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा रात में जब आप सपने में होते हैं, आपको रात को प्यास लगी हो और आपको नींद आ जाए, तो ड्रीम में आप सपना देखते हैं कि आप घड़े के पास चले गए हैं या नल के पास चले गए हैं और पानी पीना चाहते हैं, कभी देखा आपने ऐसा? तो आप पानी तलाश करते हैं और पानी सपने में आप ऐसा लगता है, क्योंकि सपने में वही चीजें देखते हैं जो चीज आपकी अर्ज है, जो दिन में पूरी नहीं हुई उसको आप पूरी करते हैं। अब आप सपने में पानी भी पी लेते हैं लेकिन उस पानी से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, अब या पानी पी ही नहीं पाएंगे, कोई फिजिकल ऑर्गन तो है नहीं, फिजिकल बॉडी तो आपकी उस पर पड़ी ही है, तो आप वो पानी के घड़े के पास पहुंचने के बाद में भी पानी नहीं पी पाते क्योंकि आपका फिजिकल ऑर्गन नहीं है। ऐसे ही वहां एस्ट्रल जगत में, एस्ट्रल बॉडी में जो एंटिटी घूम रही है, वो सब चीजें जिनकी इच्छा उसने की है, वो सब चीजें उसके पास होने के बाद में भी उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं होती, इसलिए वो मारा मारा फिरता है। इस स्थिति को नरक की संज्ञा दी है, क्योंकि ये इतनी भयानक स्थिति है। डिजायर्स वासनाएं पूरी होती हैं क्योंकि एस्ट्रल बॉडी है आपकी, लेकिन उन डिजायर्स को, वासनाओं को तृप्त करने का, पूर्ति करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो आदमी तड़पता रहता है। जिस आदमी की कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई डिजायर्स नहीं है, वो एस्ट्रल जगत में उसको जाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा मानसिक लोक में चला जाता है। कहते ना कि उसको नरक नहीं भेजा, सीधा स्वर्ग में भेज दिया, ये सिंबोलिक है। तो उसका एस्ट्रल में जगत में रहने की जरूरत नहीं है, उसकी इमीडिएटली एस्ट्रल बॉडी डेथ हो जाती है या एस्ट्रल बॉडी से छूट के वो ऊपर चला जाता है। जो ऑर्डिनरी आदमी है वो 40 साल तक, 50 साल तक अपने गति, अपने उसके विचार, जैसी उसने अर्थली लाइफ लिव की है उसके हिसाब से वो अपने एस्ट्रल जगत में घूमता है। कुछ लोग 100 साल तक घूमते हैं, और पर्टिकुलरली जो सुसाइड करते हैं या जिनका अकस्मात मर्डर हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है, जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उनको यही नहीं लगता कि वो मर गए, उनकी फिजिकल बॉडी मर गई है, वो सपने से में देख घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि हम हैं और ये क्यों नहीं मेरी बात सुन रहा है, ये क्यों नहीं मेरे को मिल रहा है, वो इस तरह रेस्पॉन्स दे रहा है, तो ये भी उनकी बड़ी भयानक स्थिति होती है। और वो बहुत दिन तक वो उसमें तड़पते रहते हैं। यदि मान लिया उनको लाइफ स्पैन मिला था 90 ईयर्स का और उन्हें 80 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो जो रिमेनिंग पीरियड है उस पीरियड में अब उनको आगे फर्दर वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब इतने दिन के लिए तो उनको इस अर्थ पर भेजा गया था, तो वो यहां पर घूमते रहेंगे, मंडराते रहेंगे, ये सारा साइंटिफिक है। तो वो घूमते रहते हैं यहां पर। अब चूंकि उनकी इच्छाएं वासनाएं यदि इस तरह की हैं, वो इविल टाइप हैं, तो वो लोगों को भूत प्रेत बन के परेशान करते रहते हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, दिखाई देते नहीं। और कभी कभी यकायक जो योगी हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि जिनकी है, वो उन सूक्ष्म शरीर आत्माओं को देख लेते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी आदमी भी कभी कभी यकायक ऐसा कनेक्शन जुड़ जाता है कि उसको वो दिखाई दे जाता है, चलता फिरता आदमी, और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है नहीं पता नहीं कहां चला गया, दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि एट विल वो नहीं देख पाता। कई बच्चे, कई महिलाएं उस इविल स्पिरिट को, सूक्ष्म शरीर आत्माओं को चलते फिरते देख लेती है, कहते हमने अभी भूत देखा था, यहां से अभी एक औरत गई थी छमछम करती और वहां गई और अब है नहीं, दूसरे लोगों को बुलाता है देखो भूत भूत, जब दूसरे लोग आते हैं कहते वहां कुछ नहीं दिखाई देता। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, वो चूंकि एट विल हम नहीं देख पाते, हमारी एस्ट्रल साइट उतनी डेवलप नहीं है, तो कभी कभी प्राकृतिक तौर पर वो कनेक्शन जुड़ जाता है, हम देख लेते हैं, फिर जब वो कनेक्शन अपना आप ही हट जाता है, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम उसको नहीं देख पाते। लेकिन जो योगी हैं, जो इस तरह का जिनका कंट्रोल है, एस्ट्रल साइट जिनकी डेवलप हो गई है ध्यान साधना के द्वारा, वो सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देख लेते हैं, उनको चलते फिरते वो बात करते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल वो करते हैं अपने शरीर को छोड़कर, और एस्ट्रल बॉडी में जो बहुत ही सूक्ष्म शरीर है, बड़ी हवा के वायु के वेग के समान तीव्र गति से चलता है, जिसके लिए घोड़े की या एरोप्लेन की या कार मोटर कार की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है उड़ के, अमेरिका में 2 मिनट में गए और 2 मिनट में बात करके मिलकर किसी से आ गए। देख कितना बड़ा भारी प्रिविलेज है।
जो मास्टर्स हिमालय पर रहते हैं, जब वो कभी यहां पर आना चाहें, किसी से मिलना चाहें, तो उनको ये जहमत मोल लेने की जरूरत नहीं है कि अपने फिजिकल बॉडी को धकेल के यहां लाएं, पैदल चलें पहाड़ों से और फिर यहां पर कहीं मोटर कार में आएं और फिर कहीं ट्रेन में बैठ के फिर यहां कहीं दिल्ली पहुंचें। उनको बड़े आराम से वहीं बैठे हैं और वो अपने सूक्ष्म शरीर में आएंगे और आपसे मिलकर बातचीत करके चले जाएंगे, या वहीं से थॉट लेवल पे ही टेलीकम्युनिकेशन कर लेंगे। तो ये फिर वो जो व्यक्ति है एस्ट्रल जगत में तड़पता है, परेशान होता है, 40 साल 50 साल 100 साल जैसे उसकी गति है, कर्म है, उसके हिसाब से वो रहता है, और फिर टाइम ऐसा आता है उसकी एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ हो जाती है। जब एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, ये उसकी तीसरी डेथ हुई, तीसरे शरीर की डेथ हुई, पहले फिजिकल बॉडी की डेथ हुई, फिर इथरिक बॉडी की डेथ हुई चौथे दिन, और फिर 40 से 50 से 100 साल के बाद उसकी एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ होगी। फिर वो अपने लोअर मेंटल बॉडी में जागृत हो जाता है, फिर मानसिक लोक में घूमता है, उसमें बड़ा आनंद है। आप विचार करो वो चीज आपके सामने, क्योंकि थॉट फॉर्म्स है। फिजिकल लेवल पर मुझे पानी चाहिए, पानी की यदि मैंने डिजायर की तो फिजिकल वाटर मेरे सामने आएगा, तभी मेरी तृप्ति होगी। थॉट लेवल पर यदि मेंटल लेवल पर मुझे पानी चाहिए तो मेंटल बॉडी को उस तरह की चाहिए, तो थॉट फॉर्म पानी की थॉट फॉर्म बनकर पानी मेरे सामने आ जाएगा, मेंटल लेवल का पानी आ जाएगा। तो वहां पर विचार किया और वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाती है, तो वहां पर उसको स्वर्ग की संज्ञा दी है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है। तो जो भी उसने व्यक्ति ने अपने अर्थली जीवन में कोई इस तरह का थिंकिंग किया है, कुछ पढ़ाई की है, यदि उसने दुनियादारी की ही चीजें सोचता रहा है तो मेंटल जगत में, मेंटल बॉडी में जागृत होगा तो उन्हीं चीजों को देखेगा। कोई ज्यादा उसने कोई मैटेरियल कलेक्ट नहीं किया जिसको एसिमुलेट करे, जुगाली करे। देखे ना, जैसे गाय या भैंस जब चारा खाती हैं, जितना उन्होंने खाया है उससे ज्यादा देर वो जुगाली करने में लगाती हैं, उसको एसिमुलेट करती हैं, आपने देखा है ना। तो यहां हम जो कुछ हमने डाटा कलेक्शन किया, जो कुछ अर्थली लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, ये लेबोरेटरी है, ये बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, इसका बड़ा यूज है यहां आने का। तो जो कुछ हमने डाटा कलेक्शन किए उनको हम एसिमुलेट करेंगे, उन पर विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, और वहां पर चिंतन मनन करने के लिए हम बड़े स्वतंत्र होते हैं। यहां तो चिंतन मनन नहीं हो पाता, यहां तो मन इधर उधर भाग जाता है, वहां पर चिंतन मनन बड़े ध्यान से होता है। लेकिन यदि किसी ने कोई इस तरह का कलेक्शन ही नहीं किया, उसके पास कोई इस तरह के थॉट्स ही नहीं है, ऐसा मेटेरियल ही उसने कलेक्ट नहीं किया, तो वो ज्यादा देर वहां नहीं रहेगा और थोड़ी देर के बाद में उसका वो पीरियड भी खत्म हो जाएगा, उसकी लोअर मेंटल बॉडी भी डेथ हो जाएगी। जो नीचे के चारों शरीर थे चारों की डेथ होगी एक एक करके। अब जो इंडिविजुअलिटी, उसको हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं, वो जो हमारे तीन हायर शरीर हैं जो डैमेज नहीं हुए और ना कभी डैमेज हो सकते, क्योंकि आम आदमी की अप्रोच वहां तक नहीं है। जो आदमी है निम्न श्रेणी का, उसकी अप्रोच यदि उन तक भी होती है तो वो उनको भी डैमेज कर देता, उनमें भी कुछ ना कुछ वो खराबी भर देता, लेकिन उसकी अप्रोच वहां तक नहीं थी। और जिन व्यक्तियों की उन तक अप्रोच है, जो व्यक्ति हायर मेंटल बॉडी को यूज करते हैं या इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल बॉडी को यूज करते हैं, वो एक 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 लेवल के उनका होता है, एक लेवल पर उनका इवोल्यूशन विकास हो चुका होता है, वो उसको डैमेज करने के बजाय उसमें उसकी फैकल्टीज में बढ़ोतरी करते हैं। तो वो जो तीन शरीर हैं, वो जब से हम मनुष्य शरीर मनुष्य योनि में आए हैं तब से वो तीनों शरीर हमारे परमानेंट हमारे साथ हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उनका कभी रीइंकार्नेशन नहीं होता, वो परमानेंट हमारे साथ सेमी परमानेंट है। और तब तक वो उन तीन शरीर हमारे बने रहेंगे जब तक फाइनली हम निर्वाण या मोक्ष की स्थिति में नहीं जा पाएंगे। जो हायर मेंटल बॉडी है उसी को कारण शरीर कहते हैं, कारण कारण है, इसलिए अभी कारण पूरा नहीं हुआ है इसलिए आपको बार बार आएंगे। कारण यह है कि हम इवोल्यूशन की पूरी स्टेज पर जाना चाहते हैं, रियलाइजेशन करना चाहते हैं। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक अपने ओरिजिनल ट्रू नेचर की जानकारी समझ नहीं आएगी, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। अब ये एक एक करके प्रोसेस हुआ वापिस जाने का, लौटने का। अब दोबारा जन्म लेने का प्रोसेस शुरू होता है। ये दोबारा जन्म लेने के प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बात और थोड़ा सा सुन याद कर रख लें कि जब फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है तो फिजिकल बॉडी का एक जरा सा एसेंस, जिसको हम परमानेंट, कोई नाम देना पड़ेगा समझने के लिए, उसको परमानेंट एटम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में चिप्स होता है, इस तरह का एक परमानेंट एटम, वो हमारे जो इंडिविजुअलिटी है, जो हमारे तीन शरीर हैं ऊंचे हायर इंडिविजुअलिटी परमानेंट है, उनके साथ वो परमानेंट एटम जुड़ जाता है। उस परमानेंट एटम में हमारे पूरी फिजिकल लाइफ का सारा एक्सपीरियंस एसेंस रूप में रिकॉर्डेड होता है, संस्कार के रूप में। जैसे हमने अर्थली लाइफ ली है, हम बहुत बड़े क्रिमिनल रहे हैं,
चोरी करने की टेंडेंसी थी, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी थी, या दूसरों का भलाई करने की टेंडेंसी थी, या हम जैसी भी हमारी टेंडेंसीज फैकल्टीज एंड क्वालिटीज थी अर्थली लाइफ में, वो एसेंस रूप में उस परमानेंट एटम में हमारे इंडिविजुअलिटी के साथ जुड़ी हुई है, परमानेंट एटम जुड़ गया है। संस्कार के रूप में जब हम दोबारा जन्म लेंगे तो हमारे साथ आएगा वो संस्कार। ऐसे ही जो एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है तो एस्ट्रल परमानेंट एटम हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे फीलिंग्स, हमारी डिवोशंस, हमारा लव अफेक्शन कंपैशन, जो भी फीलिंग्स इमोशंस हैं, उसका एसेंस परमानेंट एटम के रूप में हमारे उस इंडिविजुअलिटी के साथ जुड़ जाता है। ईथरिक बॉडी का कुछ नहीं जुड़ता, ईथरिक बॉडी तो प्राण में कोश है, वो तो प्राण लेती है, वो तो फिजिकल बॉडी का काउंटर पार्ट है, फिजिकल बॉडी को जिंदा रखने के लिए है, उसका इतना सही पार्ट है, प्राण लेता है कॉस्मिक एनर्जी, सूर्य से जो प्राण शक्ति आ रही है उसको लेकर फिजिकल बॉडी को देता है ताकि ये जिंदा रहे, उसका इतना मकसद था वो पूरा हो गया, उसका कुछ नहीं रहता। तीन ये शरीर हमारे मेन है, फिजिकल एस्ट्रल एंड लोअर मेंटल। जो लोअर मेंटल बॉडी है उसकी भी डेथ जब होती है तो उसका भी एक परमानेंट एटम वहां पर जुड़ जाता है। अब हमारे पास क्या रहा, ये चारों शरीर खत्म होने के बाद जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, हमारे वो तीनों शरीर, और इन तीनों शरीर जो नीचे के हैं जो मर गए हैं उनका परमानेंट एटम संस्कार के रूप में। अब बारी आती है दोबारा जन्म लेने की, दोबारा नया शरीर जन्म लेने का। तो सबसे पहले उसी क्रम में जन्म होगा, सबसे पहले मेंटल बॉडी बनेगी, लोअर मेंटल बॉडी बनेगी। तो जो इंडिविजुअलिटी है जिसमें वो लोअर मेंटल परमानेंट एटम है वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और वो जैसा नेचर का है वो वैसे ही नेचर के मेंटल मैटर को अटैक करेगा, उसी मैटर से उसकी मेंटल बॉडी बन जाएगी, उसी तरह उससे मिलते जुलते मैटर से, जहां से उसने अपनी यात्रा खत्म की थी, जिस तरह का शरीर, जिस तरह की टेंडेंसी वाला शरीर इसने छोड़ा था, वो वाइब्रेट करेगा उस तरह के मेंटल मैटर को जो मेंटल वर्ल्ड में है उसको अट्रैक्ट करेगा, और उसमें अधिकतर वो लिविंग सेल्स, वो लिविंग एटम्स होंगे जो हमने पहले मेंटल बॉडी को छोड़े होंगे, वो वायुमंडल में अभी मौजूद हैं, रिफ्रेश होके वो फाइन धुल के फिर नए रूप में हमारे पास फिर मेंटल बॉडी बन जाएगी, एक हमारी नई मेंटल बॉडी बन गई। अब ये जो शरीर हमारे बन रहे हैं, इंडिविजुअलिटी तो पहले थी, लोअर मेंटल बॉडी और बन गई, तो ये बिल्कुल सूक्ष्म शरीर है, ये दिखाई, ये कहीं आता, कहीं भी आ जा सकता है, इसको कोई रुकावट नहीं है, वो शीशे के अंदर भी आ जा सकता है, मां के पेट में जो फिजिकल बॉडी बन गई है उसमें वो जाके उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, उसके लिए कोई बार नहीं है कि नहीं उसको कोई दरवाजा चाहिए या मुंह के अंदर से जाए, वो कहीं से जाए, वो कहीं से भी जा सकता है, उसको फ्रीडम है, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज है, जैसे शीशे के अंदर से लाइट पास हो जाती है, जाली के अंदर से हवा पास हो जाती है, ऐसे वो जो सूक्ष्म तत्व है वो ग्रॉसर मैटर में कहीं भी जा सकता है। जब मेंटल बॉडी हमारी बन गई, फिर जो एस्ट्रल बॉडी है उसकी बनने की बारी आती है, वो भी नई बनेगी, फिर जो एस्ट्रल मैटर है, एस्ट्रल परमानेंट एटम, वो वाइब्रेट करता है और वो उसी तरह के एस्ट्रल मैटर को एस्ट्रल वर्ल्ड से अट्रैक करता है और वो हमारी एस्ट्रल बॉडी बन जाती है। जब एस्ट्रल बॉडी बन जाती है, अब बारी आती है फिजिकल बॉडी की। अब ये हमारे पांचों शरीर बन गए। महात्मा बुद्ध को आपने सुना होगा, पढ़ा है, गौतम बुद्ध को जब उनकी शादी भी हो गई, उनका एक बच्चा राहुल हो गया, तब उनको एहसास हुआ, तब उनको याद आया, अरे मैं किस पर्पज के लिए आया था और मैं कहां फंस गया। पढ़ा है ना आपने, हिस्टोरिकल फैक्ट है। यदि उनको पहले से ही याद होता कि मैं, मेरा मकसद यह है और मैं तो एक ऐसे लेवल से मेरा विकास हो चुका है, अब उस लेवल से और ऊंचा विकास की श्रेणी में जाने के लिए बुद्धत्व मुझे प्राप्त करना है और मैं इस पर आया हूं, तो वो शादी नहीं करते बेचारे। लेकिन उनको उस समय वो क्योंकि इन इस ब्रेन सेल्स में अंदर उनको याद है, अंदर तो उनको पता है, लेकिन बाहर ब्रेन सेल्स में मेमोरी में वो चीज नहीं आ पाती, वेकिंग कॉन्शियसनेस में वो बात नहीं आ पाती। तो जब कभी गहन ध्यान की गहरी स्थिति में जाते हैं, या कोई ऐसी चोट पड़ती है, या कोई ऐसा झटका लगता है या धक्का लगता है, यकायक वो चीजें बाहर सरफेस पर आ जाती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को आपने पढ़ा ही है कि उन्होंने जब देखा, मुर्दे को देखा, डेड बॉडी को देखा, और वो बीमार को देखा, और सन्यासी को देखा, तो यकायक उनको याद आ गया और उन्होंने अपने लाइफ में एक नया मोड आ गया। तो इस तरह से हमारा ये इनकार्नेशन होता है। इसमें एक बात और है कि कई बार ऐसा, देखिए ये जो हमारी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड लोअर मेंटल बॉडी, जो नए हमको शरीर मिले, हर जन्म में नए मिलते हैं, वो नए इसलिए मिलते हैं कि हमने पुराने वाले शरीरों को डैमेज कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फिजिकल बॉडी तो डैमेज हो गई, लेकिन अभी एस्ट्रल और मेंटल अभी क्लीन है, साफ है। मान लिया मेरे
तीन कपड़े पहने हुए, एक ओवरकोट है, एक कोट है, एक शर्ट है। ओवरकोट तो मेरा गंदा हो गया, फट गया एक्सीडेंट में, लेकिन जो अंदर का कोट है वो बिल्कुल साफ है, और शर्ट भी अंदर की बिल्कुल नई है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल बॉडी की डेथ के बाद जो चेतना आत्मा वापिस आती है, वो उसी मेंटल बॉडी में, पहले वाली मेंटल बॉडी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और जो दूसरी एस्ट्रल बॉडी है उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। दे कम बैक विद द सेम एस्ट्रल एंड मेंटल बॉडी। उस केसेस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस बच्चे को जो अपनी उसी पुरानी एस्ट्रल मेंटल बॉडी लिए हुआ आया है, उसको अधिक चांसेज है कि उसको पिछले जन्मों की बातें ज्यादा याद होंगी, तो वो अपने बता देगा, अरे मैं तो वहां हूं। कई ऐसे केसेस हुए हैं, जाके बता देते हैं। और कई बार तो ऐसा यूनियन होती है कि वो दोनों को याद रहता है। हमारे मेरे एक पर्सनल जानकारी में एक केस है, बूढ़े की डेथ हो गई, दो पति पत्नी थे, उसमें हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसका जन्म हो गया कहीं दूसरी जगह, उसने फिर दोबारा मनुष्य शरीर में जन्म ले लिया। जब उसको याद आया 10-15 साल के बाद, तो एकदम वो आया, वो एकदम उसके अंदर ये बौखलाहट हुई कि मैं अपनी पत्नी से जाके मिलूं, और इधर उसकी पत्नी भी बेचारी तड़फती थी, उसको भी था थोड़ा बहुत उनको आपस में ज्ञान भी था उस लेवल का, उसको भी, वो भी इंतजार में थी, उसने जन्म ले लिया है, कहां है पर मिलेगा कैसे। जब वो उसके सामने आया, एक बात और है इसमें कि जैसी हमारी फिजिकल बॉडी है वैसा ही शेप की एस्ट्रल बॉडी है, क्योंकि उसी के वो सांचे में ढली हुई होती है, और वैसी ही मेंटल बॉडी है। और फिर जब हमारी एस्ट्रल बॉडी, उसी एस्ट्रल बॉडी से हम दोबारा जन्म ले रहे हैं, तो जो उस एस्ट्रल बॉडी के ऊपर जो फिजिकल बॉडी होगी, उसकी जो शेप डेवलप होगी, वो भी उसी पैटर्न में होगी। इसलिए 60-70% हमारा जो स्थूल शरीर है वो पिछले जन्म के स्थूल शरीर से कुछ परसेंटेज मिलता है, ठीक है ना, पूरा नहीं मिलता, और हर जन्म में थोड़ा बदलता रहता है। मान ले 60% मिला, 40% कम हो गया, अगले बार फिर 40% कम हो गया, तो 2-3 जन्म के बाद में शक्ल बिल्कुल ही बदल जाती है। अभी हम यहां जन्म हुए, अगले जन्म हमारा चाइना में हो जाए तो वहां पर 40% जो है हमारी चाइनीज शेप आ जाएगी, फिर हमारा जापान में जन्म हो जाए तो अब बिल्कुल ही बदल जाएंगे, फिर हमारी शक्ल मिलेगी नहीं। लेकिन इस जन्म के दूसरे जन्म जो इमीडिएट जन्म होता है, उसमें हमारी 60-70% शक्ल एक दूसरे से मिलती है। तो कई बार जो बहुत ही डीप रूटेड इंटीमेसी कनेक्टेड लिंक होता है कुछ दो आत्माओं का, वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं। तो इस व्यक्ति ने जब वो गया तो उसने भी उसकी पहचान लिया, और वैसे गले मिले जैसे बिल्कुल सचमुच अपने पति पत्नी मिलते हैं। बहुत से ऐसी उदाहरण है मेरी नॉलेज में, बहुत से ऐसे उदाहरण है कि जहां पर जिससे ये साक्षात प्रकट होता है कि ये वास्तव में पुनर्जन्म होता है। कई बार हमें भी अपनी बातें बहुत सारी याद आ जाती हैं, और जब याद आती हैं तो कई व्यक्तियों से हम मिलते हैं जिनके बारे में हमको पता है कि ये तो हमारे पिछले जन्म के साथी हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारी माता है। अब वो यकाजक यदि आप उनके ऊपर अपनी बात इम्पोज करो, आप तो मेरी माता जी हैं, तो कहेंगे ये कौन आ गया मेरा अंदर। याद हो या ना हो, लेकिन कुछ अंदर से, क्योंकि अंदर तो है ना डीप रूटेड, तो वो लिंक बना हुआ है अंदर से, उनको ऐसा लगता है जब वो दोनों मिलते हैं कि जैसे इनको कहीं देखा है, इनको तो हम जानते हैं, और बड़े फ्रीली और फ्रेंकली उनके साथ वो बात करना शुरू कर देते हैं। और वो दूसरा जो व्यक्ति है वो भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, क्योंकि पुराना लिंक बना हुआ है। इसलिए आप हैरान हो जाएंगे, कभी कभी एक दिन में दो व्यक्ति मिलते हैं, उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, इतनी गहरी जान पहचान हो जाती है, जैसे वो सदियों से जानते हैं। और कई बार जो जिस व्यक्ति से हमारी दुश्मनी थी पिछले जन्म में, जिसने हमारा मर्डर किया था, या हमने उसका मर्डर किया था, या हमारी दुश्मनी थी, आपस में मारपीट थी, या जो भी था, जब उस तरह का व्यक्ति इस जन्म में हमें मिलता है सामने, तो उससे थोड़ा सा रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये दोनों हमारे यहां साथ साथ चलते रहते हैं। तो पुनर्जन्म से बहुत सारा लिंक कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो अपना यहां पर काम पूरा करता रहता है। तो मैंने कहा कि जब आदमी दूसरी उसी एस्ट्रल और मेंटल लेवल बॉडी को लेकर वापस आता है, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो याद रखे। तो इस तरह से ये पुनर्जन्म की थ्योरी है, हम इसको समझें। और इसमें कोई मिथ नहीं, ये जो ओकल्ट साइंटिस्ट हैं जिनके पास क्लियर वाइट पावर्स हैं, और जिन्होंने जिनको पूरा जो अंदर तक देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, सूक्ष्म जगत में झांक कर देख सकते हैं,
पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जिनके सामने जस्ट लाइक ओपन बुक है, ऐसे ऐसे मनीषी, ऐसे ऐसे ओकल्ट साइंटिस्ट इस पृथ्वी पर है, उन्होंने इस तरह का विचार करके ये थ्योरी हमने सामने रखी है। और इसके एक बात और है कि उस थ्योरी को 100% मानने के लिए बेशक हमारे पास ऐसे यंत्र ना हो, लेकिन जब हम जैसे मान लिया कोई माइलस्टोन लगा हुआ है और वो माइलस्टोन इंडिकेट कर रहा है कि यहां से दिल्ली 125 किलोमीटर है उदाहरण के लिए, तो जब हम नेक्स्ट माइलस्टोन पर देखते हैं कि अब 124 लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि डायरेक्शन ठीक है, क्योंकि अब एक किलोमीटर कम हो गया, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा पहुंचने के बजाय भी यदि थोड़ा सा भी हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने जीवन में और कुछ थोड़े से सिम्टम्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं उन तथ्यों के, तो कन्विक्शन होना शुरू हो जाता है कि हाँ बात तो ठीक है। उन मनीषी ने जो ये बात की थी उन्होंने तो 10 बातें बताई, लेकिन हमारे तजुर्बे में सिर्फ 3 बातें आई हैं और तीनों अक्षरशः सही हैं, तो जो 7 बातें वो भी ठीक ही होंगी, उस पर हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो ये इस तरह के जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये कोई पोका पंडित की तरह से या कहीं से पढ़ा के या वैसे ही खाली अंदाजे से नहीं बात की गई, ये जो बड़े बड़े ओकल्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया है उस थ्योरी के बारे में सब बताया है, वो मैंने आपके सामने रखी है। अभी हमारे पास 5-7 मिनट बाकी हैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें डिबेटेबल सब्जेक्ट है, कई लोग कह सकते हैं ये सब क्या आपने थ्योरी रख दी, ऐसा हम तो मानते नहीं। ठीक है, आप माने या ना माने, कोई बात यहां से जोर देकर नहीं कही जा रही, आप इसको विश्वास करें या ना करें आपका वो है। यदि आप विश्वास करें तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी लेबोरेटरी में और वो आप जब एक्सपेरिमेंट ठीक होगा तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। यदि स्टेट में रिजेक्ट कर देते हैं तो आप अपना कुछ खोएंगे, इसलिए ना रिजेक्ट करें ना एक्सेप्ट करें, उसको टेंटेटिवली ले और अपने से विचार चिंतन करें और उसको एक्सपेरिमेंट करें अपनी लाइफ की लेबोरेटरी में, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से होता है किस नहीं होता है। तो हमने तो अपनी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस कन्विक्शन पर पहुंचे हैं कि पुनर्जन्म है, हम पहले भी थे अभी भी हैं और आगे भी आएंगे। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारे पुराने रिलेशन थे, बहुत क्लोज रिलेशन थे, वो अब हमको मिलते हैं तो हम उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं बिना बताए कि आप हमारे कुछ थे पहले, क्योंकि बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो दूसरा आदमी तो नहीं मानेगा। तो ये एक सत्य मैंने आपके सामने रखा। अब 5-7 मिनट के अंदर यदि किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई जेन्युइन प्रश्न है, मेरी बात काटने के उद्देश्य से नहीं, मैं कोई अपनी बात को थोप नहीं रहा आपके ऊपर कि ऐसा है आप ऐसा माने ही, इसलिए आपको ये जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि आप जो कह रहे हो गलत है तो काट दें मेरे बात। मैं पहले ही मान लेता हूं जो कुछ मैंने कहा है उसको, नहीं माने आप, माने या ना माने आप स्वतंत्र हैं, मैं कोई बात अपनी इम्पोज नहीं कर रहा। लेकिन यदि कोई जेन्युइन प्रश्न आपका है, कोई शंका उठी है, उसको और क्लैरिफाई कराना चाहते हैं, उस उद्देश्य से यदि कोई भाई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई भाई या बहन हाँ पूछिए पूछिए, बेधड़क पूछिए, हम बुरा नहीं मानेंगे ना हमें गुस्सा आएगा, घबराओ नहीं। आप हमें ये भी कह दोगे आप बकवास कर रहे हो, सब ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ठीक है हम मान लेंगे, भाई आप शायद ठीक होंगे हम झूठे होंगे, हमको गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ तो बोल पूछिए ना। नहीं आगे आ जाओ ना, हमारी बात तो पूरी हो गई है, अब आप जो कुछ पूछना चाहें पूछे। सब हर व्यक्ति कोई भी बात अपने रखने के लिए स्वतंत्र है। फिर पकड़ लो सर, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ ये बात, ये आप इन्होंने बहुत अच्छी बात की, ये साइंटिफिक है। जो हमारे वेदों में, या वेदों में तो नहीं ऐसी बात लिखी, उपनिषद में भी ये बात नहीं लिखी, लेकिन पुराणों में कुछ ऐसी कथाओं के रूप में ऐसी बात लिख दी है कि जब वो आदमी मरा तो उसका मन जो था हिरण में था तो हिरण की योनि में आ गया, या वो पत्थर बन गया, उस तरह की बातें हैं। वो सिंबॉलिक हैं, उनको लिटरली आप ना लें। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जो एक बार मनुष्य में आ गया, विकास होते होते मनुष्य श्रेणी में आ गया, अब वो पशु श्रेणी में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट ये है। आप उसी क्लास में 10 बार फेल हो जाएंगे, लेकिन यदि आपने 7वीं क्लास पास कर ली है, आप 8 में आ गए हैं, तो इसमें कोई पर्पज हल नहीं होगा कि आपको 7वीं क्लास में वापस भेज दें। आप 8 में 10 बार फेल हो जाओ कोई बात नहीं है,
तो मनुष्य शरीर में आने के बाद पशु शरीर में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो जा नहीं सकता। कहां समाएंगे वो तीन शरीर, वो इतनी हाई वोल्टेज, वो मनुष्य क्या शरीर ही उसको बर्दाश्त कर सकता है? जो हमारी कॉजल बॉडी है, हमारी इंट्यूटिव बॉडी है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो जो तीन शरीर है जो एनिमल्स में की कोई फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि वो तीन शरीर वहां पर समा सके। बड़ी हाई वोल्टेज के हैं वो, बड़ी हाई रिफाइंड मैटर के बने हुए हैं, वो वहां पर प्लेस ही नहीं है, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसमें आप नहीं जा सकते। यदि जैसे हाई वोल्टेज का करंट किसी पतले से ऑर्डिनरी वायर से आप नहीं पार करेंगे, पास करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा, ऐसे वो जो हाई वोल्टेज की जो पावरफुल स्प्रिट सोल विद थ्री हायर व्हीकल्स कैन नॉट एंटर इनटू एनिमल बॉडी। एनिमल के तो चार शरीर ही हैं, एनिमल के अंदर इंट्यूटिव फैकल्टी नहीं है, इंस्टिंक्टिव फैकल्टी है, इंस्टिंक्ट उसके अंदर होती है, उसके अंदर लोअर माइंड भी है लेकिन उसके अंदर हायर माइंड नहीं है। एक कुत्ता ये नहीं जान सकता कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, डिविनिटी क्या है, मुझे कष्ट क्यों आ रहा है, वो हायर थिंकिंग उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर इंट्यूटिव फैकल्टी भी नहीं है, उसके अंदर स्पिरिचुअल फैकल्टी भी नहीं है जो मनुष्य के अंदर है। ये बात आपने ठीक सोचा और ये बात सत्य है कि एक बार जो मनुष्य शरीर में आ गया अब उसको दोबारा पशु शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार, हाँ, संस्कार के रूप में वो आया। जी हाँ जी, हाँ नहीं, जो माँ बाप हैं वो तो सिर्फ हेरिडिटी देते हैं, माँ बाप का तो इतना रोल है कि वो हमको अपनी जीन्स के द्वारा, अपने ब्लड के द्वारा, अपने दूध के द्वारा हमारी फिजिकल बॉडी हमको प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी के माँ बाप हैं। हाँ, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसके माँ बाप नहीं है वो, ना वो मेंटल बॉडी के माँ बाप है, ना हमारी जो इंडिविजुअलिटी आत्मा है ना उसके माँ बाप है, पर उनकी जो क्वालिटी है, हमारे माँ बाप की जो क्वालिटी है वो हमारे शरीर तक लिमिट है। मेरे पिताजी का रंग गोरा है तो मेरा रंग गोरा होगा, वो लंबे कद के हैं तो मेरा कद लंबा होगा, वो स्लिम पतले हैं तो मेरा रंग भी पतला होगा, वो हबशी टाइप है और भारी है काले हैं तो मेरा शरीर भी वैसा ही होगा, मोटे मोटे होठ होंगे, हबशी टाइप होगा, जैसे वो हेरिडिटी में मेरे को फिजिकल बॉडी मिली है। लेकिन जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी एस्ट्रल फीलिंग्स, इमोशंस, डिवोशंस और वो थॉट, थिंकिंग, वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम, वो इंट्यूटिव फैकल्टी और वो स्पिरिचुअल फैकल्टी जो मैं पीछे से लेकर आया हूं, उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पिताजी किसान हैं, किसान थे, और मेरा गांव में जन्म हुआ है मिट्टी के मकान में जहां घास फूस हम लोग रहते थे, किसान का बेटा है, किसान खेती करते थे, और मेरे जितने चार भाई हैं हम, तो पिताजी सबके शरीर तो एक से है, लेकिन मेरी बहनें हैं, तीन मेरी बहनें, उस समय परिवार नियोजन की संस्था नहीं था तो हम सात भाई बहन हैं, वो सब हम लोग उसी जन्म उसी शरीर में पले हैं, उसी आंगन में खेले हैं, उसी माँ बाप का गोद में खेले हैं, उसी माँ का दूध पिया है। फिजिकल हेरिडिटी सबकी करीब करीब सिमिलर है, आप देख के बता देंगे ये त्यागजी का भाई लगता है, लेकिन फिजिकल हेरिडिटी फिर बदलनी शुरू हो जाती है। जैसी हमारी थिंकिंग होती है, जैसी हमारी फीलिंग्स है, उसका इंप्रेशन फिजिकल बॉडी में भी आना शुरू हो जाता है। जो आदमी चोर है, डकैत है, क्रिमिनल है, उसकी आंखें और शक्ल बदलनी शुरू हो जाती है, वो खूंखार चेहरा हो जाता है, कैसी थिंकिंग है वो इम्पैक्ट उसका आ जाता है। तो अब तो शक्लें बदल गई हैं हमारी, अब तो कई बार नहीं भी मेल खाती, लेकिन जनरली हमारी शक्ल मिलती थी शुरू शुरू में, उनकी टेंडेंसी, उनके संस्कार दूसरे थे, और अपने पूरे परिवार में मैं ही, मेरा ही अंदर कुछ संस्कार ऐसे निकले जो पिछले जन्म से आए थे और मैं इधर आ गया, वो सब घसीट के मुझे उधर ले जाना चाहते थे कि आप इधर ही रहो, यहीं करो, कमाओ। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूं वहां से, वो तो अभी भी ये चाहते हैं कि मैं गधे की तरह से लगा रहूं, कमाऊं पैसा और उनको दूं, जबकि काफी कुछ, इतना कुछ देना चाहिए था, उससे भी ज्यादा दे दिया है, लेकिन उनकी तो टेंडेंसी फिर भी वही रहेगी। हमारे भाई हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे भाई साहब जो है वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और बड़ा पैसा कमाते हैं, दो चार दस लाख की हमें भी दे दें, हमें भी कुछ दो चार खेत खरीदवा दें। पिताजी भी हमारे बेचारे यही चाहते थे, लेकिन हमारी टेंडेंसी शुरू से ये थी। तो जो संस्कार है अंदर का वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। फिजिकल हेरिडिटी का इफेक्ट तो थोड़ा सा ही है, सात है ना, सात शरीर है, ये तो 1/7 हो गया ना, बाकी जो सिक्स है, हाँ वो जो छठा छह हिस्से हैं वो बड़े पावरफुल हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस सेंस में कहा है जैसा बाप बेटा बेटा, क्योंकि एक बात और है कि जैसे, नहीं एक बात और है इसमें थोड़ा सा, कि जैसे संस्कारी आत्मा है
चांसेस यह है कि वैसे ही संस्कारों से मिलते जुलते परिवार में उसका जन्म होता है, वो इसलिए उससे थोड़े बहुत मिल जाती है। इसलिए नहीं कि माँ बाप से उसको संस्कार मिले हैं, बल्कि वो जो शरीर, जो आत्मा, सूक्ष्म शरीर आत्मा ने वो परिवार चुना है, वो वैसा ही परिवार चुनता है। जैसे मेरी बड़ी बड़ी वाली बेटी है, वो बड़ी हाईली स्पिरिचुअल है, मैं ये बात एडमिट करता हूं, मेरे से ज्यादा एडवांस है, और उसने हमारा परिवार चुना। क्योंकि जन्म से ही हमारे अच्छे सोसाइटी की मीटिंग होती थी, आध्यात्मिक सत्संग चिंतन होता था, तो पहले दिन से जब उसने आंख खोली, उसी वातावरण में आंख खोली, तो उसके लिए वो एटमोस्फेयर फेवरेबल रहा। यदि तो वो किसी ऐसे परिवार में होती जो माँ बाप उस पर इम्पोज करते, कहते तुमको मेडिकल में एडमिशन कराएंगे, बच्ची वो फिलोसफी एंड थियोसॉफी पढ़ना चाहती थी, हमने कहा कोई बात नहीं, जो तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो। वो फिलोसफी में पीएचडी उसने किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप किया, पीएचडी है वो इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में है। यदि उसके ऊपर हम इम्पोज करते कि नहीं नहीं, जैसे आजकल के माँ बाप इम्पोज करते हैं, वो कहते नहीं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए हमारा बेटा, उसकी टेंडेंसी चाहे कुछ भी है, चाहे वो म्यूजिशियन है, वो पोइट है, वो लिटरेरी टैलेंट उनके अंदर है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है या वो फिलोसफर बनना चाहता है, ये मेटेरियल है उन माँ बाप के लिए, वो इम्पोज करते हैं। तो कई बार आत्मा उस तरह का परिवार चुनती है जहां पर वो फेवरेबल एटमोस्फेयर उसको मिले। यदि वैसा एटमोस्फेयर उसको मिल जाता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। कई बार उल्टा होता है, कई बार उल्टा इसलिए होता है कि उसको और ज्यादा तपस्या का जीवन बिताना है और हर तरह के ऑलराउंडर बनाना है, तो इसलिए उसको बड़ा रफ एंड टफ बनना है। नहीं, यदि उसको डेलिकेट पहले से ही उसको ऐसे परिवार में दे दें कि जहां गोल्डन स्पून लेके पैदा हो, तो वो गरीबों की स्थिति को समझ ही नहीं पाएगा। जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा कि हमारे यहाँ लोगों को इतना गरीबी है कि रोटी नहीं मिलती, तब एक लेडी कहती है इफ यू आर नॉट गेटिंग ब्रेड व्हाई डोंट यू गिव देम डबल रोटी, ब्रेड क्यों नहीं देते उनको, ये केक, हाँ कहते डबल रोटी, यदि रोटी नहीं है तो गिव देम केक। वो सोच ही नहीं सकते कि यहां पर ऐसे भी परिवार होंगे जिनको रोटी भी एक टाइम मुश्किल। इसलिए हर स्थिति में पैदा हो, सब ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है, होनी चाहिए कि जिस स्थिति में हम हैं वही स्थिति हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है, हमारे फर्दर इवोल्यूशन में मदद करने के लिए। यदि ये एटीट्यूड डेवलप हो गया तो आप चीयरफुल होंगे, हर स्थिति में खुश होंगे। और यदि कंप्लेनिंग माइंड है, वो हमें कहां डाल दिया, ओहो कहां, हमें तो वहां होना चाहिए था, और उनको देख के जेलसी करो, नहीं, वो जो है वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, हम यहीं से लीड लेंगे, वो वहां से लीड लेगा। पर कई बार तो ऐसा होता है जितने एंटी सर्कमस्टेंसेस में आप होते हैं, जितनी परेशानियों से आप गुजरते हैं, जितनी समस्याओं से आपका सामना करते हैं, उतने आप बलिष्ठ और उतने मजबूत और उतने आप अच्छे होकर निकलते हैं। हाँ, गटानी साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बड़े भाई, इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है। पिताजी की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई और इन्होंने अपने सब भाइयों को बहनों को पढ़ाया लिखाया, सबकी शादी की और इतना संघर्ष में जीवन बिताया है, और आज वो बड़े शांतचित और बड़े अच्छे उसमें है। देखिए ना, ये होता है तो उसका क्रेडिट है इनको। अब उस समय जब ये जूझ रहे होंगे उस समस्या से, तब उनको थोड़ा हो सकता कभी कभी बुरा लगता हो कि मेरे ऊपर ही क्यों इतनी मुसीबत आ रही है, लेकिन आज जब उस मुसीबत से बाहर आ गए तो अब वो महसूस करते हैं कि मेरे जैसा खुशनसीब आदमी कोई नहीं है। हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जो जन्म गांव में हुआ, उन गंवार लोगों के बीच में जो डंडे से हमारी पिटाई करते थे, सच बात है, बड़ी पिटाई हुई है हमारी डंडे से। पिताजी जरा सी बात में कोई हो जाती थी, अब तो सिविलाइज लोग हैं, कोई बच्चा गलती करता है तो उसको आप आंख दिखा देते हैं, डांट देते हैं। गांव में वो ऐसा सिस्टम था कि यदि जरा सी कोई गलती होगी, चाहे गलती है या नहीं है, लेकिन पिताजी को यह लग रहा है कि आपने गलती की है, तो डंडे से आपकी पिटाई हो जाती थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जनरली यह होता है गांव में एक दूसरे से मदद लेते हैं, उसने उसको हल दे दिया, बैल दे दिया, खेती बाड़ी की चीजें आदान प्रदान होता रहता है। गांव में के ऐसे सेल्फिश लोग भी होते हैं जो दूसरों से मदद तो ले लेते हैं लेकिन अपनी नहीं देते। तो हमारे पड़ोस में भी एक भाई थे ऐसे, वो जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तो हमारे यहां से तो वो चीज ले जाते थे, पिताजी दे देते थे, और लेकिन अपने यहां से जब भी वो होते हुए मना कर देते थे। जब पिताजी के एक्सपीरियंस से ये बात आ गई तो उन्होंने निश्चित किया कि इस आदमी की मदद नहीं करनी है, उसको मना कर देते थे। अब वो आदमी उनकी एब्सेंस में, पिताजी के एब्सेंस में मेरे पास आ जाता था, क्योंकि मैं उसको मना नहीं करता था। जब पिताजी को यह पता लगा कि मैंने उस आदमी की मदद कर दी जिसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी उनकी नजरों में, तो मेरे डंडे से पिटाई हो जाती थी, बड़ी भारी पिटाई होती थी, सीधा लठ उठाते थे।
है बेटे, देखो कितना तुम्हारे अंकल ने कितनी मार खाई है, कितनी मार खा करके अब हम यहाँ आए हैं। लेकिन वो अच्छा ही हुआ जो हुआ, अब हमें हर तरह के आदमी को फेस करने की आदत पड़ गई है। कोई आदमी हमें गुस्सा नहीं दिला सकता, आप कोशिश करके देख लीजिए, गाली दे दीजिए, थप्पड़ मार दीजिए, डंडा मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत डंडे खा लिए हमने, हर तरह की स्थिति में रह गए हैं। अच्छा खाना भी खाया है, सूखा खाना भी खाया है, भूखे भी रहे हैं, हर स्थिति को गुजारा है, बहुत टाइट पोजिशन में भी रहे हैं, और जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे तो बहुत पैसा भी खूब देखा, बच्चों को खूब अपना पढ़ाया लिखाया, उनको सब 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 तरह की सुविधाएं दे दी, इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, शादी हो गई उनकी, उनको इंजीनियर बना दिया, उनके लिए अच्छा मकान बना दिया, गाड़ी वाड़ी खरीद के दे दी। हम तो अपने सिंपल ही रहते हैं, लेकिन उनके लिए सब चीजें जुटा दी हमने, तो अच्छा टाइम भी देखा और बुरा टाइम भी देखा सब, तो एक एक ऑलराउंडर, एक एक्सपीरियंस, एक ऐसे एक ही जन्म में ये सारे एक्सपीरियंस से गुजर पाना बहुत मुश्किल। जो गरीब है बेचारा गरीब ही रहता है, ज्यादा ज्यादा बहुत होगा गांव से उठकर कस्बे में आ जाएगा। हम तो उस बिल्कुल मिट्टी से उठकर इंग्लैंड पहुंच गए या दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली तो कैपिटल है इंडिया की, कॉस्मोपोलिटन सिटी है, मतलब हर परेशानी को देखा और हर सुख सुविधा को भी देखा, और दोनों को झांकने के बाद इस निष्कर्ष पर आ गए वो सब चीजें बेकार हैं, वो निर्लेप है, जैसे जिस स्थिति में आप हैं उसी में आप खुश हैं। यस, इसे ना देखिए, जो जीव है, जीव मीन्स लाइफ, ठीक है, जीव तो पत्थर के अंदर भी जीव है, पत्थर के अंदर भी लाइफ है, पत्थर जो है ना उसके अंदर भी लाइफ है, वो भी पल्सेशन होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है वो पल्सेट करते हैं, मूव करते हैं, उसके अंदर भी लाइफ है। पेड़ पौधे में भी जीव है, वो भी लाइफ है, एनिमल्स में भी जीव है, उसमें भी लाइफ है, लेकिन एनिमल के अंदर जो लाइफ है और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर लाइफ है उसकी डिग्री में फर्क है, ये तो आप खुद महसूस करते हैं ना। प्लांट्स के अंदर जो लाइफ है, जो जीवन तत्व है उसमें, और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर लाइफ है उसमें फर्क है ना फर्क। तो जैसे 0 वाट के बल्ब के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और हाई वोल्टेज जो पावर हाउस है उसके अंदर भी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो जो पेड़ पौधे के अंदर जो लाइफ है उस लाइफ में, और जो मनुष्य के अंदर लाइफ है, एब्सोल्युटली उससे केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी जो क्वालिटीज है उनके हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। जैसे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है और 0 वाट की बल्ब में, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लाइफ है वो इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में है, वो जो लाइफ है वो इतनी फोकस हो गई है यहां पर, उसके पास 7 शरीर इस तरह के उसको मिल गए हैं कि वो अधिक डिग्री में मैनिफेस्ट हो पा रही है। तो जो स्पिरिचुअल सेंटर हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में, इंट्यूटिव बॉडी में, हमारे हायर मेंटल बॉडी में जो बना है, वो जो स्पिरिचुअल सेंटर है उसको आप आत्मा कहते हैं। वहां जो सेंटर बना हुआ है लाइफ का, पेड़ पौधों के अंदर या मिनरल के अंदर, वहां जो सेंटर बना है, फोकस बना है, वो इतना डिस्टॉर्टेड है, इतना धूमिल है, इतना हल्का है कि उसमें उसके मैनिफेस्टेशन की डिग्री में बहुत फर्क है। वो वही फर्क है, बाकी फर्क कुछ नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फर्क है। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल सेंटर है, क्योंकि उसके डिस्पोजल पर, उस लाइफ फोर्स के डिस्पोजल पर वो हायर व्हीकल्स मौजूद हैं जिसके अंदर वो पूरी तरह मैनिफेस्ट हो सकती है। वो स्पिरिचुअल सेंटर स्पिरिचुअल बॉडी में बना है जिसको आप आत्मा कहते हैं, वहां वो पेड़ पौधे में या उसमें नहीं है, वहां खाली जीव है। जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर जो ब्रह्म तत्व, आगे लिमिट नहीं है कोई, सब चले जाते हैं। तो जो जीव है वो बहुत लोअर लेवल पर मैनिफेस्टेशन है, जो जीव आत्मा है वो मनुष्य शरीर में है। जब शरीर उसको छोड़ देती है, सारे शरीर छोड़ दिए, सातों के सातों शरीर, वो प्योर आत्मा है, प्योर स्पिरिट है। और वो प्योर स्पिरिट जो एक रे है परमात्मा की, जब वो प्योर स्पिरिट उस परमात्मा में मिल जाती है, वही परमात्मा तत्व है। और परमात्मा जिसको आप 16 लोगस कहते हैं, ऐसे परमात्मा, ऐसे 16 लोगस करोड़ों हैं, करोड़ों सूर्य मंडल हैं, और वो करोड़ों सूर्य मंडल किसी एक गैलेक्सीज के हिस्से हैं, और ऐसी गैलेक्सीज बिलियंस एंड बिलियंस, लाखों करोड़ों हैं। तो इसका लिमिट कोई नहीं है, एक के बाद एक मर्जर होता चला जाता है, और अल्टीमेटली वो जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ब्रह्म तत्व है जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, इंटरनल एसेंस कहते हैं, सिर्फ वही बचता है, वन विदाउट सेकेंड, जिसको आप अहम ब्रह्मस्मि या ब्रह्म तत्वमसि जो भी उसको कहें, वो बहुत सुपीरियर स्टेट है। अभी तो हम लोग यहां दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकलने का प्लान निकालो, ठीक है ना।
नहीं, जो देखिए वैसे देखा जाए तो आत्मा तो आत्मा ही है, पापी और पुण्य तो हम उसको नोमेनक्लेचर देते हैं संस्कार के हिसाब से। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो जिसके अंदर सारा ही अंधकार हो, और कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो पूर्ण हो, क्योंकि परफेक्शन बहुत दूर है। जिसके अंदर कमियां ज्यादा है, जिसका अंदर बुराइयां ज्यादा नजर आ रही है, गुडनेस की एब्सेंस है, उसको हम पाप आत्मा कह देते हैं, और जिसके अंदर गुडनेस ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही है उसको हम पुण्य आत्मा कह देते हैं। हाँ एक्चुअली हाँ, अभाव है, गुडनेस का अभाव है, पाप का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस पर से फॉर द वाइसेस, दिस इज एब्सेंस ऑफ गुडनेस। हाँ, जो गुड वर्ड है, गुड GOOD, गुड, गुड वर्ड से ही गॉड बना है, और जो इविल है, इविल से ही ड्राइव करके डेविल बना है। जो इविल है वो डेविल है, जो गुड है वो गॉड है। गॉड इज गुड।